أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق Allahu, 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 Allahu,
अल्लाहु 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 दीद किसको मयसर तेरी जात की लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की और मोहम्मद से की और मोहम्मद से की दूबदू गुफ्तगु अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह खुश हो अल्लाह बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको तीसरे रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जब से रमज़ान की ये ट्रांसमिशन शुरू होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते, तो थोड़ा थोड़ा जो जो एक्सपीरियंस मिल रहा होता है अपने सेट पे ही या हल्की फुल्की खबरें देख के उसी से मुल्क के हालात पता चल रहे होते हैं। और थोड़ी सी मैं आज आते हुए एक बात सोचता रहा, जब भी मैं रास्ते में होता हूँ 10 बातें दिमाग में चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ आप सोच रहे होते हैं। मैं सोचा था कि हम हर बार एक प्रैक्टिस लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर बार ये सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है। तो जब हम ये सोचते हैं तो हम ये कैसे हो सकता है कि हम ये ना सोचें कि यार हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी वजह से किसी भी शख्स के ऊपर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे उसको कोई तकलीफ़ हो या उसको कुछ बुरा लगे। तो हर मुमकिन कोशिश हम ये करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में भी, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम सेट्स पे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि लोग आपसे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सेट से चले जाएँ तो लोग जो हैं वो याद करें कि यार लोग जो हैं वो के मतलब यू नो आप सेट पे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, आप जब चले जाते हैं तो जी बोरियत से होती है या यू नो वी आर वेटिंग फॉर यू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या आप घर पे भी होते हैं तो बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि यार बाप आए या माँ आए तो उनके साथ जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरे, या आप कहीं पर भी जाते हैं किसी महफिल में भी तो लोग वहाँ पर इंतहाई मतलब तौर पे आपका इंतज़ार कर रहे हो कि यार। तो बात यह है कि एक प्लेजेंट सी जो पर्सनालिटी है वो आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि आप कहीं पे, अब होता है कुछ लोग कभी कभी इतनी बैड वाइब्स दे रहे होते हैं कि वो आते हैं तो लोग कहते हैं अबे यार ये कहाँ से आ गया यार, ये सर का दर्द तो ये अब सड़ा ही रहेगा सारा दिन, या घर पर भी इस तरह से कुछ माहौल लोग बना के रखते हैं, या अपना क्या कहते हैं सड़क पे भी जब चल रहे होते हैं तो वो लोगों की परेशानी का बायस बनते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम मेरा ख्याल है कि हमने जितनी भी तालीमात हासिल की, जितना भी हमने अपने मज़हब को समझा पढ़ा जाना, तो समझ में एक बात आखिर में ये आती है कि यार हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने लोगों को खुशियाँ देनी है, हमने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। जब आप किसी से खुले दिल के साथ मुस्कुरा के मिलते हैं उसको भी अच्छा लगता है, वो जितने भी गुस्से में होता है 2 सेकंड के लिए वो भी ठंडा हो जाता है। सो बात ये है कि हमें थोड़ा सा ये हर वक्त सोचना है कि यार मेरी वजह से कोई इंसान परेशान ना हो, कि अगर कोई इंसान परेशान होगा तो एक बड़ी खूबसूरत बात थी ना कि कोई शख्स आपसे नाराज़ हो जाए, सोचें ज़रा, अल्लाह तो मान जाता है, अल्लाह तो हर वक्त आपके करीब है, आपके साथ है, आपके पास है, अल्लाह तो मान जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे नाराज़ हो गया और वो फिर आपको ना मिला तो फिर क्या करेंगे आप, उसको कहाँ से ढूंढेंगे? सो दीज आर द थिंग्स जिस पे हम सबको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें माशरती तौर पे एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, हमें माशरती तौर पे एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना है। नाराज़गियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है सब होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा ये कोशिश करनी है कि आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप लाइन में खड़े हुए हैं,
आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी जगह पे मौजूद हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक चीज़ आपने डेवलप करनी है कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये दरख्वास्त है। बाकी हम लोगों ने हम पढ़ लिख के सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जिस मज़हब से जिस चीज़ को हम ले के हम बीड़ा उठाते हैं कि हम ये हैं और हम मुसलमान हैं, तो जनाब अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान कहना नहीं है, मुसलमान बनना है। और मुसलमान बनने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है, और रोज़ों में अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा आज शो के हवाले से, क्योंकि बात है आज के तीसरे रोज़े के हवाले से, मुख्तलिफ रिवायत से ये बात सामने आती है कि हज़रत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज यौम वसाल है, जो कि आका दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, हज़रत अली करमुल्ला वजह की बेगम हैं, हसनैन की माँ हैं, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। आज कहा जाता है कि उनका विसाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके हवाले से जो हमारी सोहबत इल्म का जो सेगमेंट होता है जिसमें हमारे आलिम यहाँ मौजूद होते हैं, उनसे थोड़ी सी इस पर बात की जाए। हम बहुत आज के दौर में बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बहुत बात करते हैं इस हवाले से, ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत अरसे से सब सिस्टम चला आ रहा है। मसला ये है कि हम जिस कल्चर में आके फंस गए वहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल हो गए। अदरवाइज़ अगर आप इस्लाम को निकाल के पढ़ते हैं, इस्लाम की चीज़ों को समझते हैं, अपने मज़हब को अंडरस्टैंड करते हैं, तो थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हैं चीज़ें एज अ मुसलमान। हमने इस कल्चर में रहते हुए हम फंस गए थोड़ा सा। सो आज इंशाल्लाह हमारे उलमाए कराम जब आएंगे तो उनसे बिल्कुल बात करेंगे इस हवाले से भी, और आज के शो में भी हमारे साथ यहाँ पे किचन भी रहेगा, मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं जी, दो दो खाने बन रहे हैं किचन में, और खुशबू जो है वो पूरे सेट पे घूम रही होती है, बड़ा तंग करते हैं ये लोग, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे गेस्ट होंगे यहाँ पे, हम कोशिश कर रहे हैं कि सेहत के हवाले से ज़रूर बात करें, कुछ इस दुनिया के लिए जो वाही जगह है हमारी इंसानों की रहने की, उसका थोड़ा सा ख्याल करें। फिर हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, डिबेटर्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास तहाइफ हैं ओजी डेवलपर्स की जानिब से। ओजी डेवलपर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, राइजिंग बियॉन्ड इनकी टैगलाइन है, और ओजी डेवलपर्स की तरफ से LEDs हैं हमारे पास, हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हमारे पास जीतने वालों के लिए बाइक्स हैं यहाँ पे, फुटाइल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मेट्रो की तरफ से स्पेशली बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सो यहाँ पे ओजी डेवलपर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे पास यहाँ पे मज़े के खाने हैं, डेटॉल यहाँ पे मौजूद है जनाब। मैं सबका शुक्रिया अदा करता रहता हूँ, और उसके साथ साथ आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ मेहमान भी होंगे थोड़ी देर में। मैं थोड़ा सा ब्रेक पे जाऊँगा, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से किचन की तरफ चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, राह नेकी में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। राह नेकी की बात हम जब भी करते हैं, बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत भी करते हैं, लेकिन एक हकीकत है कि हम पाकिस्तानियों ने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारा काम किया है। वहीं पे जब ये बात आती है तो वहाँ पे एक ये बात भी आती है कि यार हम कितना जो है वो लोगों को हेल्प आउट करें, हम कितना जो है वो खाना खिलाएं, या हम कितना, तो ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी जगह पे मेरा ख्याल है कि बड़े तरीके से अपने हिसाब से काम कर रही है, और उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी मैं जब भी बात करता हूँ, जब भी मेरी मुलाकात होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसकी वजह ये है कि सपोर्ट सिस्टम इसी तरह से चलता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बल्कि एक एक ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, बच्चों को बकायदा ट्रेंड किया जाता है कि वो खुद काम करें और ख़ुद कमा के
अपने लिए भी और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करें। आई एम टॉकिंग अबाउट हुनर फाउंडेशन, जो कि 2008 से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में काम कर रही है। और मैं इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ, और जब भी मिलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं, CEO द हुनर फाउंडेशन, और तारिक मियां साहब मौजूद हैं, ट्रस्टी द हुनर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ। एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जो ये बात कर रहा था, लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यार हम जो है वो मछली खिलाए जा रहे हैं, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे। सो हुनर फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं, इस साल भी, लास्ट ईयर भी थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो किस तरह से मैं, यू नो लाइक देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात शुरू करते हैं हुनर फाउंडेशन के हवाले से, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का इंट्रो तो सबको पता है। अब तक वैसे कितने बच्चे जो हैं वो हुनर फाउंडेशन से ये अपना एजुकेशन लेके अब काम कर रहे हैं, एनी आइडिया? राइट जी, 36,800 स्टूडेंट्स एट लास्ट काउंट, 36,800 स्टूडेंट्स जो हम पढ़ा के उनको, और 80% उनमें से, 81% उनमें से जॉब्स पे जा चुके हैं, माशाल्लाह, ठीक है। और बाकी जो 19% हैं उनमें से कुछ ने हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट किया है और कुछ ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। राइट, सो और अभी इंशाल्लाह देखें, हमारे 2008 में हम स्टार्ट हुए थे, तो ये जो 36,000 या 37,000 बच्चे जो हमने ट्रेन किए हैं ओवर द लास्ट, लेट यू कैन से ऑलमोस्ट 10 years 12 years, अब हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक कैंपस था, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 11 कैंपसेस ऑपरेशनल हैं और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि इनफैक्ट 12 ऑपरेशनल है, तीन और आ रहे हैं। और कराची में अभी हमने औरंगी टाउन में नया कैंपस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला कैंपस है हमारा जो फर्स्ट डे से ओवरबुक था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इसी तरह हम मानसेरा में हमारा एक नया कैंपस बन रहा है, ब्यूटीफुल कैंपस, 3 से 4 acres पे वो कैंपस बन रहा है। फिर बूरेवाला में हमारे 2 campuses बन रहे हैं, मुल्तान में हमारा कैंपस अभी अपग्रेड हुआ है। तो और अभी भी हमें, मतलब कि लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जी हमें, यू नो दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग कैंपसेस, बट जो हमें जिस चीज़ पे सपोर्ट चाहिए सब लोगों की, वो सपोर्ट ये है कि आप बच्चों को स्पॉन्सर करें। एक बच्चा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 से लेके 1,20,000 तक का स्पॉन्सर होता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड। हमारी 21 अलग अलग ट्रेड्स हैं, जिसमें जो कन्वेंशनल ट्रेड्स हैं उसमें कारपेंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, वेल्डिंग है, मोटर मैकेनिक है, और फिर हमारी हाई एंड ट्रेड्स हैं जिसमें हम कोडिंग सिखाते हैं, पाइथन, मैकेट्रॉनिक्स हम सिखाते हैं बच्चों को, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ले जा के हम उनको बताते हैं कि जी सर्किट्स कैसे बनेंगे, फिर हम कोडिंग उनको सिखाते हैं। उसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D स्टूडियो, ये सारी चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो कैंपसेस हमारे माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, बट जैसे जैसे हमारे कैंपसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह हमारी नीड फॉर स्पॉन्सरशिप फॉर स्टूडेंट्स भी बढ़ती जा रही है। और मैं एक और बात बताता चलूँ आपको कि 51% और मे बी अ लिटिल मोर ऑफ आर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, सो वी आर रियली वर्किंग ऑन फीमेल एम्पावरमेंट एज वेल। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, देखें ये वो बच्चे हैं जो काम करेंगे जी, जो मेहनत करेंगे जी, और आज आप इनके काम आए, कल ये और लोगों के काम आ रहे होंगे, बिकॉज वो एक एहसास है, एक अंदर वो चीज़ है कि यार हमें किसी ने हेल्प आउट किया है तो हम भी किसी को हेल्प आउट करें जी। और इनके पास जब एक ट्रेनिंग आ जाएगी, पैसे आएंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लोग दूसरे लोगों को भी हेल्प आउट कर रहे होंगे ना। वो जो एक ठीक है, कोई बहुत बेचारा मजबूरी में है, इसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन आप लोगों का तो काम बिल्कुल अलग है। आप तो एक समझ लें कि पिलर्स खड़े कर रहे हैं इस माशरे में, बिकॉज लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हम बार बार इसलिए, देखें ये जितने भी मेरे ऐसे गेस्ट आते हैं, हम बार बार इसलिए टिकट्स चलाते रहते हैं, नंबर्स चलाते रहते हैं, वेबसाइट्स चलाते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, एंड इट्स नॉट नेसेसरी
कि आप जो है वो लाखों रुपया दें, अगर 100 लोग मिलके भी थोड़े थोड़े पैसे भी देते हैं तो उसमें एक बच्चा एटलीस्ट जो है वो स्पॉन्सर हो जाता है, कतरा कतरा दरिया बनता है। सो हम सबको इसमें अपने अपने जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट करनी है। कैन आई जस्ट से वन थिंग, जो आप बात कर रहे हो इसका एक एक इसको एक कूजे में अगर आप बंद करें तो हम इस वक्त रमज़ान में हैं, ज़कात जी, दिस इज़ द टाइम के हम ज़कात अपनी सारी निकाल दें इंशाल्लाह रमज़ान में। तो आप ये इसको सिंपली अगर आप देखें ना, तो हम एक आज के एक ज़कात रिसिपियंट को, एक बच्चा जो ज़कात से पढ़ रहा है, हम उसको साल डेढ़ साल में वहाँ पे 6 महीने में वहाँ पे पहुँचा देंगे कि वो खुद ज़कात देना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। तो वी आर, तो दिस इज यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और फिर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ सर, कि इस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी जगहों पे पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है, माशाल्लाह पाकिस्तान में और तो ग्रोथ हो ना हो, बच्चे हम खूब पैदा कर रहे हैं, हमारी लेबर फोर्स बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन, राइट। तो पाकिस्तान जिस तरह इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर सप्लायर बन गया दुनिया का, हम बच्चे नहीं, हम टेक्निकल यू आर राइट अब बच्चों जब बड़े हो जाएंगे सॉरी तो वी वॉन्ट टू बिकम द ट्रेंड टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, इंशाल्लाह। थैंक यू, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं सर चूंकि बैठे हुए, मैं सर से भी पूछना चाह रहा था, ऑब्वियसली हुनर फाउंडेशन के हवाले से देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, ख़ास तौर से सर बच्चों के लिए आप लोग क्या चीज़ देखते हैं कि किस तरह से इन बच्चों को किस फील्ड में डाला जाए, आप लोग एसेस करते हैं या बच्चे खुद आके कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं? अच्छा, दो चीज़ें इसमें, गाइडेंस भी है, काउंसलिंग भी है और अपनी प्रेफरेंस भी है। देखिए, हम उस जनरेशन से डील कर रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड है, दे अंडरस्टैंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट क्वाइट अ बिट, ये नोविस नहीं है, ये वो नहीं है कि जिनको कुछ पता नहीं है, वेरी ट्रू। हम तो बचपन में हमारे फादर बताते थे कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, दीज किड्स आर नॉट दैट। सो इनको इल्म है कि हमने कहाँ जाना है, इल्म है कि इसका फ़ायदा क्या है। इंटरेस्टिंगली जो तारिक बात कर रहे थे, ये वो यूथ है जो अंडरस्टैंड करती है कि हमें खुद अपने पाँव पे भी खड़ा होना है, तो इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। मैंने इतना पैशन देखा है, मैं तो इस एरिया में अभी एंटर हुआ, उससे पहले मैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करता था, एंड तो जब आप जाते हैं इन बच्चों से बात करते हैं, और आप जब इनसे बात करेंगे प्रॉब्ली वो आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। दे अंडरस्टैंड वेयर दे वांट टू गो, दे अंडरस्टैंड के नौकरी इज़ नॉट दी ओनली रीज़न ये यहाँ पर आए हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और जो आपने बात की थी कि ये आगे एम्प्लॉयमेंट जितना जल्दी हो सकता है रब्ता कीजिए, क्योंकि ये टाइम है, बहुत हाई टाइम है इनको सपोर्ट करने का, हुनर फाउंडेशन को। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फातिमा शेख है। फातिमा, आप क्या कर रही हैं? मैं प्रीवियस बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ हुनर फाउंडेशन की, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ की। अच्छा जी, तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो आपको पता है वहाँ परमिशन नहीं होती, और जिस एरिया से मैं आती हूँ इब्राहिम हैदरी, वो एक डेंजरस एरिया कहलाया जाता है, बहुत लोग डरते हैं वहाँ जाने से, अगर आप नाम लें तो वहाँ की लड़कियों को इजाज़त नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकती। तो मैं जब मुझे शौक़ हुआ यहाँ आने का तो परमिशन नहीं थी, देन मेरी मामा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मामा ने फैशन डिज़ाइनिंग में ख़ुद एडमिशन लिया और मुझे डिजिटल मार्केटिंग में दिलवाया। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, तो बिज़नेस चल पड़ा है ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ सादिक अमीन सर, मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से मेरा ताल्लुक। स्कर्दू से, ठीक है, हम अभी होके आए ना, मैं इसलिए हर जगह का पता है। अच्छा। सर, 1.5 साल पहले मैंने हुनर फाउंडेशन से डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का कोर्स कम्प्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना एक अपने ही एक छोटा सा घर पे एक रूम लेके वहाँ पे अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया था मैंने। वहाँ पे चल हम मेम्बर थे, 4-5 फ्रीलांसिंग हम कर रहे थे, और वो जर्नी होते होते आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रांचेस है सॉफ्टवेयर हाउस के मेरे, माशाल्लाह, 20+ मेंबर्स मेरे पर काम मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ वैसे एजुकेशन का जो
रेशो है वो हमारे बाकी सूबों के हवाले से ज़रा बेहतर है। सर वहाँ पर तकरीबन एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ नहीं, गिलगित में तो है यार, एक ही यूनिवर्सिटी है सर। हाँ, गिलगित में तो है, और वहाँ के जितने भी तालिब इल्म हैं वो इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि वो शहरों में आते हैं, अपने काम करते हैं और उसके साथ अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करते हैं। बिल्कुल, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, बट सेकेंडरी एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल इज क्वाइट स्केर्स। हाँ, गिलगित में आई हैव सीन द यूनिवर्सिटी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट बहुत बड़ा है ना गिलगित, बहुत बड़ा है, एक ही यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये भी तो ज़्यादातर बच्चे यहीं आ रहे हैं पढ़ने। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? वालेकुम सलाम, रिजवान ऐमन। आप क्या कर रही हैं? सर मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हूँ और आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आगे करनी थी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ इसलिए आगे अफोर्डेबल नहीं थे पेरेंट्स। तो मैंने एक ऐड देखा टीवी चैनल पर ही देखा, हुनर फाउंडेशन का, देन मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडमिशन लिए हुए अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं। 6 मंथ के ड्यूरेशन कोर्स में मैंने एडमिशन लिया डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO में, और मुझे 3 मंथ्स हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है माशाल्लाह। और अभी मैं इन कोर्स हूँ और लोगों सेल किए मैंने, फ्लायर्स पोस्टर्स एंड वेडिंग कार्ड सेल करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं आगे इसी अर्निंग को जमा करके इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में खुद के खर्च पर एडमिशन ले सकती हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे और वो तमाम बच्चे जो वाकई चाहते हैं ज़िंदगी में कि कुछ करना है तो मेहनत करें, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। सर आखिर में आप, मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप और दरख्वास्त करें, मैं तो करता रहूँगा। बिल्कुल, देखिए एक तो ये है कि जी आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चाहे आप 10 रुपये दें, चाहे आप 1000 रुपये दें, चाहे आप एक बच्चे को सदका जारिया है ये, अगर आप एक बच्चे को स्पॉन्सर करें तो वो बच्चा नौकरी लेके वो अपने पूरी फैमिली को संभाल सकता है, उसकी मेडिकल संभाल सकता है, उसकी एजुकेशन संभाल सकता है, उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक 90,000 रुपीज़ जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए सदका जारिया बनेगा, वो बच्चा आगे पढ़ के और लोगों को सपोर्ट करेगा। एक ये, दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी यूथ है वो हुनर फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट करे, आए हमारे पास, हमारे पास पढ़ने आए बच्चे, हुनर फाउंडेशन के पास पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ हैं, आप लोग आएँ, बच्चे आएँ, हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स हैं, हम स्कॉलरशिप से बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग आएँ, 21 ट्रेड्स हैं हमारे पास, आप लोग आएँ और हुनर ज्वाइन करें और जो डोनर्स हैं वो हुनर को सपोर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मैं आपको कह चुका हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप जब बोलें मैं आ जाऊँगा यार, जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जिसको शायद मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ अ थिंग जो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। Son
सुभान अल्लाह, खुश रहें जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर नुज़रत साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी शेफ साहिबा जो हैं आज फिर कुछ डिफरेंट बना रही हैं। डिफरेंट बना रही हैं। आज क्या बना रही हैं? मैक्सिकन टोर्टिया रैप्स। अच्छा जी, हाँ वो बना रहे हैं चिकन के साथ, क्यूकम्बर्स हैं इसमें, सॉसेज हैं, इनके डिप्स बहुत होते हैं, तो मैक्सिकन में क्या थोड़े से अफ्तार में बहुत मज़े के लगते हैं, रैप्स बनते हैं और फिलिंग इसकी बहुत मज़े की होती है चिकन के साथ। सही है, तो ये बना रहे हैं। ठीक है, नाइस, शुक्र है। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, रमजान है। कोई तोतला आदमी इस डिश का नाम भी नहीं ले सकता। नहीं देखिए, बेसिकली लोग कहते हैं टोर्टिला, टोर्टिला इट्स लाइक चपाती, लेकिन वैसे टोर्टियाज होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन एल साइलेंट होता है। हाँ बिल्कुल जी, मैं वही कह रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रिपरेशन शुरू करें। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्लास्टिक पोल्यूशन जनाब। और इसके ऊपर काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में बहुत काम हुआ, बहुत अवेयरनेस दी गई। थोड़ा सा डॉक्टर साहबा आप लोगों को बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। लोग कहते हैं यार प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्या, हम तो शॉपर में ही लेके जाएंगे चीज़ें या हम तो यही करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को अगर बताएं इसके हवाले से। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, तीसरा रोज़ा सबको बहुत मुबारक। अच्छा, प्लास्टिक जो है उससे हमारी दोस्ती कोई बहुत सदियों पुरानी नहीं है। मेरा ख्याल ये लेट अर्ली 50s और लेट 40s की बात है, जब प्लास्टिक जो है वो पेट्रोकेमिकल का बाय प्रोडक्ट हुआ, बनाया, तो उसमें हम प्रमोशंस की गई कि जी इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो प्लास्टिक की जो मोहब्बत है वो उसकी कन्वीनियंस की वजह से है। मतलब कन्वीनियंस इन अ सेंस कि जब हम पहले जाते थे घरों से तो हम अपनी बास्केट्स उठाते थे, कोई कपड़े के थैले, जूट के थैले होते थे, दूध खरीदने जाते थे तो दूध का बर्तन लेके जाते थे। इसी तरह जब जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस और रस्टेड का बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो लोग ये कंसीडर करते थे जब ये हेल्थ केयर में ये इसका इस्तेमाल शुरू हुआ कि ये कोई बहुत ही मौजजाती किस्म की प्रोडक्ट है और इसने बहुत सारी जानों को बचाया क्योंकि इससे इन्फेक्शंस नहीं होते, ये डिस्पोजेबल होती हैं, ये तो इसकी खसूसियत है और हमारी मोहब्बत का एक वजह है इसके साथ। डिस्पोजेबल होती है लेकिन मैंने सुना है कि कितने 100 साल ये गलता नहीं है। ये 100 क्या, ये लाइफ टाइम नहीं गलता। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है या ड्यूरेबल जो है, ये इसने इसको परसिस्टेंट बना दिया इस एनवायरनमेंट के साथ, इस ज़मीन के साथ। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी कुछ हो जाए लेकिन ये किसी और फॉर्म में ना बदलता है, ये अपनी जगह कायम रहता है। ठीक है, ये अगर एंटार्क्टिका में जाके छोड़ दें या इस दुनिया में रहेगा तो ये सदियों सालों तक अपनी शक्ल उसी तरह रखेगा। और जब इसको हीट मिलती है तो बहुत ही टॉक्सिक किस्म के फ्यूम्स इसमें से निकलते हैं जो इंसानी जान के लिए इंतहाई मुज़र है। True. और इसके साथ जो बहुत सारे केमिकल्स हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। एक इसको जलाने से जो कैंसर ऑक्सीजन निकलती, वो डाइऑक्सिन जो निकलती है, दैट इज़ इंतहाई कार्सिनोजेनिक है और वो फेज़ आउट में है कि इस दुनिया से इस केमिकल को निकाल दो। लेकिन क्योंकि वो पिट्स बर्निंग या कार्बेज बर्निंग के साथ एसोसिएटेड है तो कोई इंडस्ट्रियल केमिकल होता तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते। जब जब प्लास्टिक जलेगा डाइऑक्सिन और फिरॉन जो है वो उससे मेट आउट होंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, हमने क्या किया, क्योंकि ये कन्वीनियंस बहुत थी तो हमने इसके डिफरेंट ग्रेड्स बनाने शुरू किए। पहले थोड़े महंगे होते थे, हाई डेंसिटी प्लास्टिक बनती थी जिसको आप कुछ दफ़ा रिसाइकल कर सकते हो, जिसमें से लीचेट बहुत, जो उसकी लीचेट मतलब जो उसमें से केमिकल जो लीच आउट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन जिस तरह हम उनकी क्वालिटीज़ को थिन से थिन, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं वो इंतहाई मुजरे से थे और उनका कोई डिस्पोजल नहीं है, उनकी कोई रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। अच्छा, जिस तरह ये खाना बना रही हैं तो किसी ज़माने में फूड की जो प्रोटेक्शन थी, कैरी करना इंतहाई मुश्किल होता था। आप पानी अपने घर से बॉटल लेके जाएं बहुत आसान था लेकिन थोड़ी तकलीफ़ होती थी। अब आप प्लास्टिक की एक पेट बॉटल ख़रीदते हैं अगर लॉरिन के पास कहीं हो, ये जैसे डिटॉल लगा हुआ है, बेसिकली जो आप 500 ml का पानी ले रहे हैं आप वेस्ट बाय कर रहे हैं। एक ग्लास पानी के लिए आपने एक बॉटल जनरेट कर ली। आप ज़रा सा कैलकुलेट करके देखें कि अगर कोई 100 लोगों की कम्यूनिटी है और दिन के वो कुछ 10 ग्लास पानी पीते हैं और वो हर दफ़ा एक पेट बॉटल का इस्तेमाल करें तो क्या ये जायज़ है?
क्या ये करना चाहिए जो कि डिस्पोजेबल भी नहीं है, सेहत के ऊपर भी बड़े इनके असरात हैं। अब नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारी दुकानों पे ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिनमें पानी मिलता है वो धूप में रखी हुई होती है, सो उनका असरात पानी के ऊपर क्या जा रहा होता है और फिर वो आपकी फिजिकली आपको अंदर से क्या कर रहे होते हैं उसके कितने नुकसान आते हैं। फिर लोग हमारे यहाँ एक तो माशाल्लाह कचरा फेंकने से बाज नहीं आते, बोल बोल के हम थक गए हैं। फिर समंदर के अंदर बेचारी मछलियाँ जो हैं वो आपने पूरी रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि मछलियों के अंदर से जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ निकल रही हैं, वो बेचारी खा लेती हैं प्लास्टिक के जो चीज़ें होती हैं, फिर वो मर भी जाती हैं, उनके साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं समंदर में। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे इस बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज बाहर अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट बड़े शहरों में बंद कर दिया गया। देखिए प्लास्टिक से तो सारी दुनिया जूझ रही है, इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। प्लास्टिक ट्रीटी भी आ गई है इंटरनेशनली और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं प्लास्टिक को मिनिमाइज करने के लिए, शायद एलिमिनेट तो बहुत मुश्किल है लेकिन मिनिमाइज करने के लिए, और किसी हद तक कुछ मुल्क कामयाब भी रहे हैं इस प्लास्टिक को, हम कहते हैं बैटल अगेंस्ट द प्लास्टिक। मैं खुद पिछले कोई 20-22 सालों से प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं हम, और मैं प्लास्टिक के जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उस पर मेरी PhD है। और बेसिकली हमारा जो अलमिया है पाकिस्तान में, जो हम 3 दिनों से बात कर रहे हैं, हम बहुत ही एक कैजुअल सी कौम है, गैर जिम्मेदार। हमारा मसला पोल्यूशन से ज़्यादा, चीज़ों से ज़्यादा गैर जिम्मेदारी है। जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, अगर आप जाएं और कोई आपको सब्ज़ी ख़रीदनी हो और अगर आपको प्लास्टिक का बैग ख़रीदना हो तो आप सोचते हैं यार सबको एक में डाल लो, लेकिन अगर वो आपको फ्री में मिल रही है तो आप कहते हैं कि ये अलग बैग में डालो, ये अलग डालो, ये अलग डालो। आप 10 बैग कैरी करके घर लेके आते, घर ला के आप उसको कचरे में डाल देते, उसका कोई डिस्पोजल नहीं है। हमारे यहाँ एक और जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि ये चीज़ें रिसाइकल हो रही हैं इनफॉर्मली, जिसकी प्रोसेसिंग की कहीं क्वालिटी चेक नहीं है कि उसको मेल्ट करने के दौरान या उसकी जो रिस्ट्रक्चरिंग उसको कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें उसके साथ बना रहे हैं। दुनिया में रिसाइकलिंग हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, तो उसकी हमारे यहाँ रिसाइकलिंग हो रही है बहुत छोटे पैमाने पे, कॉटेज इंडस्ट्री की तरह, वो भी चेक नहीं है। अच्छा प्लास्टिक का इस्तेमाल हम जो देख रहे हैं, हम प्लास्टिक को बहुत छोटे विंडो से देख रहे हैं ना, एक डस्टबिन के साथ, लेकिन अगर आप ब्रॉडर स्केल में देखें, और हम ये परेशान हैं साइंटिस्ट कि इनका एंड ऑफ द डे जाके डिस्पोजल क्या होगा, क्या अगेन हम मार्स में जाएंगे, कोई दूसरी दुनिया आबाद करेंगे जहां हम अपना वेस्ट लेके जाएंगे और वहां डिस्पोजल करेंगे। अगर आप देखें तो आजकल दरवाज़े, खिड़कियां, फर्नीचर, जहाज़ों के पुर्जे, गाड़ियों के काफ़ी अगर आप जाके देखें, आउटर इज़ मेटालिक बट बम्पर चीज़ें, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, कार्बन, एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक। जब आपकी हर दूसरी चीज़ प्लास्टिक है तो आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? तो एसेंशियली जो हम कहते हैं, जो चीज़ सबसे पहले रोकनी चाहिए वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो रिसाइकिल नहीं होती, जो हमारे घरों में आती है। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि पेट बॉटल्स जो हैं, क्या हमारे नलों में, मेरी यह हम्बल सी अपने गवर्नमेंट के साथ अपील है कि अगर हमारे नलकों में साफ़ पानी आने लगे, हमारा छुटकारा मिल जाएगा हमें पेट बॉटल्स के साथ, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती कि हम अपने घर पे साफ पानी पीने लगें और जो ये जंक ऑफ जो एक समंदर पेट बॉटल्स का है उससे हमारी जान छुट जाए? और दूसरा, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ये चाहती हैं कि वो ग्रीन कहलाएं, तो उनको नो टू प्लास्टिक करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए। अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं गई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कांच के जग्स के साथ पानी सर्व किया, उनके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें उन्होंने हमें सर्व की, आई रियली इम्प्रेस्ड कि कुछ लोग इनिशिएट कर रहे हैं, और ये कलेक्टिव इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है सबके साथ। मैंने अभी देखा है हाल ही में कुछ बहुत सारी जगहों पे फ्लास्क भी यूज़ हो रहे हैं, जो कि अब आने शुरू हो गए हैं, लोग कैरी करते हैं, विच इज़ द राइट वे आई थिंक, और उसके थ्रू भी मेरे ख्याल से वो उस तरह से पानी को किया जा सकता है। देखिए अगर हम अपनी ये लापरवाही और कन्वीनियंस की आदत छोड़ दें, जैसे पुराने ज़माने में जब हम स्कूल जाते थे तो हम अपने घर से अपना वाटर थर्मास लेके जाते थे, जी जी, क्यों नहीं हम आज से इनिशिएट करें कि हम अपनी वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करें, जब हम सौदा लेने जाएं तो अपने कोई थैला हम साथ लेके जाएं, जब हम ग्रॉसरी ख़रीदने हो चाहे वो फ्री में क्यों ना मिल रहा हो,
देयर आर आई थिंक सर्टेन स्टोर्स जो बड़े स्टोर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने तो ये सिस्टम किया हुआ है कि वो एक आपको बड़ा थैला बेचते हैं ताकि आप जब भी आएँ तो वो अपना थैला साथ में आएँ ताकि आपको बार बार वो शॉपर्स ना ख़रीदने पड़े। और कुछ लोगों ने वो कागज़ की थैलियाँ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स हैं कपड़ों के जो ये कर रहे हैं कि जो रिसाइकल कर रहे हैं कागज़ को, उनके शॉप बड़े अच्छे उन्होंने शॉपर बैग्स बनाए। सो आई थिंक कुछ आइडियाज़ पे लोगों ने काम किया है, लेकिन काम तो किया है लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी बहुत काम करने की, कुछ क्लास ऐसी है लोगों की जो बहुत जल्दी अवेयर हो गई, उनको आ गई कि जी ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मासेस हैं, अगर मैं क्योंकि ट्रैवल करती हूँ कराची से गवादर तक और कोस्टल एरिया क्योंकि मेरा अपना घर है, तो मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे रीसेंट प्लास्टिक देखी है जहाँ बहुत चंद लोग जाते होंगे, तो मैं वहाँ जाके ये कहती हूँ कि ये बेसिकली जो यहाँ प्लास्टिक है ये गैर जिम्मेदारी की वजह से है। तो एक छोटा इस रमज़ान में अगर हम ये मैसेज लोगों को देना चाहें अपने नाज़रीन को कि जहाँ हम इतनी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और ईमान की बात की जा रही है और सवाब कमाने की बात करते हैं, तो क्यों ना आज से यह अहद किया जाए कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक की वहाँ हम ज़रूरत प्लास्टिक को ना इस्तेमाल। अच्छा, प्लास्टिक का समंदर के साथ एक और बड़ा मसला है, एक और पानी के साथ। एक तो प्लास्टिक इटसेल्फ इज टॉक्सिक लीचर्स उसके होते हैं, दूसरा वो वायरस एंड बैक्टीरियाज को होस्ट करते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सॉरी मैम, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। We'll be right back. Mala ya salli wa sallim kainan nawa. फिर खुशामदीद कहते हैं, दीन और दुनिया का सेगमेंट चल रहा है, लेकिन हमारे साथ साथ यहाँ पे कुछ बड़ी मज़े की मैक्सिकन डिश जो है वो भी बनी है। और मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा, मैं थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या आपने इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं और किस तरह से बनाया है। आई थिंक आसान तरीका है, वेरी ईजी और वेरी क्विक ही रेसिपी। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए थे 6 टोटियाज, मतलब लाइक चपाती, 6 चपातियाँ मैंने लिए हैं। 500 ग्राम मैंने इसमें चिकन लिया था बोनलेस, जो कि स्ट्रिप्स में काट दिया था लंबा लंबा, ठीक है। फिर मैंने वोक लिया, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने गार्लिक डाला, 2 टेबल स्पून मैंने बटर डाला, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला चिली सॉस, ब्राउन शुगर, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, ये डाल के मैंने उसको थोड़ा सा मैरिनेट किया, मतलब थोड़ा सॉटे किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला लाइक मेयोनेज 1 टेबल स्पून, उसको मैंने अच्छी तरह सॉटे किया। कैप्सिकम्स मैंने इसको लंबी लंबी श्रेड करके डाला, ठीक है। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, हरी वाली मिल जाए या लाल वाली मिल जाए, वॉट एवर अवेलेबल एट होम, आप वो लोग उसको स्लाइस करके डाल सकते हैं। एक मतलब एक चिकन जो चिली होती है, हरी मिर्च होती है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया, लहसुन को चॉप करके डाल दिया, हमने इसका एक बैटर सा बना लिया, एक वो बना लिया फिलिंग। फिर मैंने टॉटिया को हल्का सा तवे पे सेका, फिर मैंने बीच में से कट लगाया, मेयो एंड मस्टर्ड सॉस और चिली सॉस का मैंने एक डिप बनाया था, वो लगाया मैंने ऑल ओवर द टॉटिया। उसके बाद मैंने एक पोर्शन में मैंने चिकन रखा, एक पोर्शन में मैंने क्यूकम्बर्स रखे, लेटस रखा, फिर उसको मैंने रैप करके इधर सजा दिया। तो ये हमारे टॉटिया मैक्सिकन रैप्स तैयार हो गए चिकन के साथ। टेम्प्टिंग, क्या बात है जी, क्या बात है जी। मैम थोड़ा सा आप भी रैप अप करें चीज़ को, कि हम तो बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं लोगों से कि खुदारा बात को समझा करें। हम ना बहुत ऐसी कौम बनते जा रहे हैं, ऐसी नस्ल बनते जा रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमें आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है। और जब आपको आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है तो थोड़ा थोड़ा हमें ख्याल करना चाहिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर। आज अगर ये साइंटिस्ट या उलमाए कराम या और लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। खुदा के वास्ते अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो मैम प्लीज़, आप मैं ज़रूर देखिए, एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो करना छोड़ दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, हम जब रोड पे निकलते हैं और हमें हर तरफ प्लास्टिक की थैलियाँ उड़ती नज़र आती हैं, और जब हम खाना लेके आते हैं और स्टायरोफोम के और प्लास्टिक के डब्बों में हम फेंक देते हैं और वो डब्बे हमें रोडों पर नज़र आते हैं, तो हमेशा जब भी गुजरेंगे हम कुछ अच्छा नहीं कहते जी। हम नागवारी का एहसास करते हैं और बुरा कहते हैं, और फिर जाके हम वो खाना ख़रीदते हैं जो डब्बों में आता है, और फिर वो हम थैलियाँ जमा करते हैं और फिर हम रोड पे फेंक देते हैं, फिर हम उनको बुरा कहते हैं। तो क्यों ना आज ये वादा किया जाए कि जो चीज़ आपको नागवार गुजरती है उसको आप अपने तौर पर मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। जितना कम से कम आप इस्तेमाल करेंगे, कम से कम आप अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करेंगे,
उसको नागवारी की को करते हुए कम से कम आपको ये तो सेटिस्फेक्शन होगी कि यार इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप अपने, अगर एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक पूरी कम्युनिटी, जब आप शुरू करेंगे तो आपको देख के आपकी फैमिली, फिर आपकी पूरी कम्युनिटी, और हो सकता है ये शहर पूरा साफ हो जाए। तो मेरा छोटा सा हमेशा ये मैसेज रहा है कि इस शहर को, इस दुनिया को ओन करने की ज़रूरत है। ये आपकी दुनिया है, ये आपका शहर है, ये आपका घर है। जब आप इसकी ओनरशिप होगी तो आपको इसकी हर चीज़ नागवार गुजरेगी। कोई इसको अगर गंदा करेगा तो आपको बुरा लगेगा, कोई इसको पोल्यूट करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो मेरा छोटा सा ये मैसेज है कि जिस दिन आप ये कह दें कि ये हमारा शहर है, ये कराची नहीं है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा घर है, ये दुनिया हमारी है। अभी नया एक और है जब ओशन के लिए इंटरनेशनल, जब ओशन समिट हुआ उन्होंने कहा RC। इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपका समंदर है तो आप पल्यूट कर दो, नहीं, ये हमारा है। अगर आप पल्यूट करेंगे, आई हैव ऑल द राइट टू डिसिप्लिन यू कंट्री वाइज कि आप नहीं करेंगे। तो जिस वक्त ये ये घर, ये महल्ला, ये शहर और ये दुनिया आपकी दुनिया होगी, तो कोई दूसरा अगर इसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा होगा तो आपको नागवारी ज़रूर होगी। और पहले आप अपना काम, इस पर एक बात कहता हूँ, समझाता भी हूँ कुछ लोगों को कि मैं, सोचें ज़रा थोड़ा सा कि आप अपने बच्चों के सामने सिग्नल तोड़ते हैं, उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के आप सिग्नल तोड़ देते हैं, आपके साथ वो गाड़ी में बैठा है, आप जो भी खा पी रहे हैं गाड़ी में, कितना आसान है कि गाड़ी में छोटा सा एक थैला रख लें, जो भी खा पी रहे हैं कचरा उसमें डाल लें, लेकिन नहीं, आप सड़क पर फेंक देते हैं, या आप कहीं पे जाते हैं पान की पी के फेंकते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, बच्चा देख रहा है आपको ये सब करते हुए। आने वाले वक्त में जो वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा सब कुछ जानेगा, बच्चे को सब कुछ पता चलेगा, बच्चा स्कूल भी जाएगा, जब उसको अवेयरनेस होगी इन सब चीज़ की, तो वो जिसको उसने यहाँ बिठाया हुआ है कि मेरा बाप मेरा हीरो है या मेरी माँ मेरी हीरोइन है, सो वो आप लोग कैसे अपनी औलाद की नज़र में गिरेंगे, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड। सो आपने अगर अपने बच्चों का हीरो बनना है, सोचें इस बात को कि आपने अपने बच्चों का हीरो बनना है कि यार मेरा बच्चा मेरी बात माने, मेरे उसूलों पे काम करे, जो मैं कहता हूँ वो करे, इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारे या बेहतर एक ज़िंदगी गुजारे, तो उन सब चीज़ों के लिए आपकी प्रैक्टिस वो होनी चाहिए कि बच्चा आपको फॉलो करे, ना कि आने वाले वक्त में वो आपको कह रहा हो कि आप तो कचरा फैलाने में सबसे आगे थे, आप मुझे क्या समझा रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ी बारीक सी बात है। मैम भी यही कह रही हैं, हम भी यही कह रहे हैं, दुनिया के और बहुत सारे लोग ये बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही ज़मीन है, यही दुनिया है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है, चांद पे जाके नहीं रह सकते, समझ रहे हैं आप, ना अपना कचरा बेच सकते, ना अपना कचरा फेंक सकते हैं वहाँ पे, कचरा जमा करें, प्रॉपर जाके जगह पे फेंकें, प्लास्टिक की थैली भी अगर है, क्योंकि देर आर सर्टन थिंग्स जो कि नहीं मिलती आपको किसी और चीज़ में, सो उसको भी प्रॉपरली डिस्कार्ड करें, ये इस तरह से सड़कों पे मत फेंकें। हम अक्सर कराची वाले जब बारिशें होती हैं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बिकॉज वही थैलियाँ उड़ती हुई जाती हैं, वो जाके जो नाले हैं उनको चोक करती हैं, जब वो नाले चोक हो जाते हैं तो भैया वो पानी नहीं पास होता, जिसकी वजह से वही गंदा पानी हमारे घरों में वापस आ रहा होता है। तो खुदा के वास्ते ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, हम सब की है, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, ये पूरा एक सर्कल है, पूरी एक सर्कल ऑफ लाइफ है, अंडरस्टैंड करें। हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे पूरा काम करना है, सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, खुदा के लिए। और दूसरा ये कि एक और चीज़ जो सबसे गैर जिम्मेदाराना है वो ये है कि हम कुछ करते हुए दूसरों को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन हम अपनी करेक्शन में कहीं थी, अपने वकील हैं दूसरों के जज हैं। एग्जैक्टली, मैं यही तो, मुझे किसी ने कहा कि जी आपने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने, तो मैंने कहा मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ कि जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इसके जवाब के लिए आपने अपने बच्चों को तैयार किया। हाँ, बिजली का बहरान है, किसकी वजह से? हमारे बड़ों की वजह से बिजली चोरी कर करके बेड़ा गर्क कर दिया। गैस का बहरान है, क्यों है फ्री में गैस इस्तेमाल कर करके बेड़ा गर्क कर, हमारे बच्चे जो है वो हमें ब्लेम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? बाय बाय, बाय बाय, ओके जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, यहाँ पे महकती कलियाँ मौजूद होंगी, आज पता नहीं लड़ाई होती है कि प्यार होता है, देखते हैं। छोटा सा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, महकती कलियाँ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद,
और बड़ी मज़े मज़े की बातें। आप कोई कहानी सुनाना चाह रही हैं मुझे? तो सुनाए ना। हाँ सुना रही मैं। हाँ सुनाए। एक पैगंबर की सुनाना चाह रही मैं बस। हाँ सुनाए। एक दफ़ा कोई लोग रहते थे उसमें ना, पता है उनके भाई ने ना, उनके भाई ने कहा था हम यूसुफ के बाबा तो उसको हमें तो प्यार ही नहीं करते, सिर्फ यूसुफ को ही प्यार करते हैं। और फिर ना वो उन्होंने कहा कि हम यूसुफ को पिकनिक पे ले जाएं। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ। फिर वो ले गए, फिर उनको वो जूत जूत कह रहे थे, फिर कुएं से फेंक दिया। फिर आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? फिर उन्होंने ना किसी जानवर का उनकी शर्ट पे खून लगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ को ना भेड़िए ने खा लिया, हम लोग खेल लेते, तो फिर ना एक भेड़िया आया, फिर उसको खा गया। अच्छा जी ठीक है। फिर कुछ लोग आ रहे थे, उनके वालिद याकूब अलैहि सलाम को कहा। हाँ याकूब अलैहि सलाम। हाँ फिर पता है क्या हुआ? फिर कुछ लोग आ रहे थे, फिर उनको कुछ लोग ले गए। फिर उनको थोड़ा सा पानी उनको बेच दिया था। बेच दिया था ना। पानी निकालना था उन्होंने। हाँ फिर बाल्टी डाली अंदर। हाँ फिर उन्होंने कहा इतना खूबसूरत बच्चा कैसे आ गया। हाँ माशाल्लाह भाई क्या बात है। आपकी तरफ आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। ये बड़ी हो गए ना न्यूज़ एंकर बनेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। खड़ी आवाज है और खड़ा अंदाज है इसका। जी जी सवाल ये है कि वो सबसे पहला जो जिहाद है वो किस पैगम्बर ने किया? अरे इतना मुश्किल सवाल। बहुत आसान है। अच्छा सोचे। सोचूं सबसे पहला जिहाद किस पैगंबर ने किया? किसने किया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने? कैसे? ये मुझे नहीं पता। लो अभी अभी आगे आगे हमारे पास टाइम कम होता है ना, उन्होंने भी आप कुछ सुना रही हैं बेटा? आप नाम ही बता दें अपना, माइक दें आगे। इतनी क्यूट है, मेरा दिल कर रहा बातें ही करता रहूं तुम सबसे, मैं क्या करूं, लेकिन टाइम ही इतना सा होता है। क्या नाम है आपका? मासूमा हैदर। मासूमा हैदर अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। नूर फातिमा कुछ सुना रही हैं आप हमें? जी सुनाइए। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी कल्बिक रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफत कुलूबन बिल इस्लाम, يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله, بأمي وأبي فديتك سيدي, صلاة الله سلام عليك يا نبي, حبيبي يا محمد, أتيت بالسلام والهدى محمد, حبيبي يا للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आज मूड ठीक है आपका? हाँ जी जी, जी। हाँ जी तो आज आप कुछ बता रही हैं हमें? हाँ। फिर हाँ जी। हाँ क्या बता रही हैं, क्या सुना रही हैं? अच्छा फैजल भाई आपने बोला था ना कल कि हम लोग नाद और साथ में मदी मदी की चीजें और हम सीख के आएंगे। हाँ बोला था मैंने। बेटा अगर कहानियाँ सुनता रहूँगा ना तो टाइम ही निकल जाएगा, बाकी बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। हाँ तो आप क्या सुना रही हैं? तो आपको तो पता है मैं ब्रांच शूट करती हूँ, कमर्शियल करती हूँ, बहुत बहुत चीज़ें करती हूँ,
तो मैं आपको और मैं इसी साल से अपने कलाम और साथ में नात भी पढ़ती हूँ। जज़ाकअल्लाह, अच्छी बात है। तो आज मैं आपको अपनी नात अपने कलाम सुनाऊंगी। अपना कलाम या अपनी नात? अपनी कलाम। अच्छा, चलें सुनाएं। नन्ही परी के छोटे से दिल में रहता है वो जो सबसे बड़ा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उसने ही आंधी तूफान बनाए और वही हमको उनसे बचाए। उसने ही आंधी तूफान बनाए और वही हमको उनसे बचाए, और वही हमको उनसे बचाए। वो कौन है जो मालिक के सब का, वो कौन है जो मुश्किल खुशा है, वही खुदा है, वही खुदा है, बेशक वही खुदा है। वही है मालिक, वही है खालिक, वही है कादिर, वही है राज़िक, वही है का, वही है खालिक, वही है कादिर, वही है राज़िक, वही है कादिर, वही है राज़िक, वही है कादिर। जिसके हैं कब्ज़े में तेरा दर्रा, जो बादशाह का बादशाह है, वही वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, बेशक 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 वही खुदा है, बेशक क्या वही खुदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो जो जाकल्ला, मैं सदके जाऊं आपके जी। आपका नाम क्या है? अनाया। अनाया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्रेप 1 में जी। आप कुछ सुना रही हैं या आप कुछ सुनाइए? क्या नात? अरे माशाल्लाह, सुनाइए। आंसू बहु बदन तो लाती ही पढ़ तू जा तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह। हाँ, ये महकती गलियां जना जी। आप क्या सुना रही हैं हमें? स्पीच। हाँ सुनाइए। थोड़ी सी आती है। जितनी भी आती है कोई मसला नहीं है। ये दौर है अफरा तफरी का, ये वक्त है नफसा नफरी का, फिर होश नहीं इंसानों को, खतरा है सबकी जानों को। दहारे सब उल्टे बहते हैं, इंसान सब परेशान रहते हैं, एक खौफ सा सब पे छाया है, चेहरा चेहरा मुरझाया है, चेहरा चेहरा मुरझाया है। कश्मीर बस। इतना ही था? अच्छा चलो, जितना भी याद किया बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप उनको दे माइक। कौन सा सवाल जल्दी पूछें? एक फकीर है, वो पर्पल कपड़े और ग्रीन कपड़े पहने हुए, इसका सवाल क्या है? एक फकीर है जिसने पर्पल कपड़े पहने हुए और ग्रीन कपड़े पहने हुए। नहीं, ग्रीन टोपी। पर्पल कपड़े और ग्रीन टोपी है। हाँ। बैंगन है ना? सही जवाब दिया। हाँ देखा, मैं पहुंच गया आजकल। मैं आपने भी पूछ लें जी। पूछे। मैं कह रही हूँ, मैंने कुछ, मेरे यहाँ कुछ है, एक किचन सेट है मेरे यहाँ, उसमें मैं बहुत खाना पकाती थी। मैडम आपके लिए किचन हमने वहाँ लगा दिया, किसी दिन आप ना यहाँ आके बनाइएगा। मेरे पास भी है कुछ खाने पकाने का, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। बिल्कुल, हम कल सुनेंगे आपसे वो तरीका जी। अभी बहन से कुछ सुन लें पहले आप जी। पहले से पता है। अच्छा मैं आपको आज मकातिया कुरैश के आयत नामे के बारे में, जो खत्म हुआ था उसके बारे में बताने वाली हूँ। जज़ाकअल्लाह। तो जब मकातिया कुरैश का आयत नामा स्टार्ट हुआ था, तो अल्लाह ताला ने देखा कि वहाँ पर ये जो सब लोग थे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो उस आयत नामे को दीमक ने खा लिया है और सिर्फ
एक लफ्ज अल्लाह बाकी रह गया है। तो फिर ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बताई, तो चचा ने मकादिया कुरैश के दूसरे सरदार को बताई। जब सरदारों ने अहदनामा मंगवा कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात सच साबित हुई। इस तरह इस अहदनामे का खात्मा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, याद है सब आप, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मारोश। हाँ, क्या सुना रही हैं आप? आपको मैं आप जो शोज करते हैं वो आप कैसे करते हैं? आपको टाइम मिलता है, कैसे करते हैं आप? हैं? ये जो शोज आप करते हैं, ये देखो कर रहे हैं, टाइम है तो कर रहे हैं ना। जब शोज करते हैं तब शोज करते हैं, जब एक्टिंग करते हैं तब एक्टिंग करते हैं, अलग अलग टाइम मैनेजमेंट होता है। मैं आपको सुनाऊंगी एक नात। जी, तो आप पहले से करते हैं। जी ना, टाइम पहले से करते हैं। हाँ सुनाइए ना। अच्छी थी, अब दूसरी सुनाए। हाँ आ जाएगा, याद आ जाएगा, पहले बहन को दे दें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम आमना है। जी आमना, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? थ्री में। क्या क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगी। अरे माशाल्लाह, सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर ये रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह जी, आपका नाम क्या है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, आप कौन सी क्लास में? नर्सरी में। मैं कह रही हूं, एक और चीज बताऊं? अच्छा हाँ बताओ भाई, बिल्कुल बताओ। जी ईमान, आप कुछ सुना रही हैं हमें? माशाल्लाह सुनाइए। नूर वाला आए है, नूर लेके आए सारे आलम, ये देखो कैसा नूर छाया है, अस्सलातु अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, जब तलक ये चांद तारे चिल मिलाते जाएंगे, जब तलक दशने मिलादत हम बनाते जाएंगे, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम मेरे को, कैसा नूर छाया है, अस्सलातु अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, दे नो हाउ टू हैंडल द माइक, उनको ये भी पता है कि पढ़ना किस तरह से। कई दफ़ा कुछ बड़ों को हम बोल बोल के थक रहे होते हैं, भाई माइक तो करीब कर लो, माइक तो करीब कर लो, बच्चों को एग्जैक्टली पता है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? उम्मे हानी। आप कोई हमें नात सुना रही हैं, कलाम सुना रही हैं, कोई अच्छा वाक्या सुना रही हैं, क्या सुना रही हैं आप हमें? कुछ नहीं सुना रही, आप हमें खरी खरी सुना दें। आपका नाम क्या है? आयशा। जी आयशा, कोई तैयारी करके आई हैं या आज आई हैं बस हमसे मिलने के लिए? आज से मिलने के लिए। ना करो जी, मुझसे मिलने आई हैं, थैंक यू सो मच। और आपका नाम क्या है भाई? सुभान। हैं? सुभान। सुभान कैसे हो सुबह? इसने ठंडा शरबत सुबह ज़्यादा पी लिया तो ये सुबह फिर चला गया। ऐसे करो, ठीक है? हाँ अब ठीक है। क्या नाम है?
सुबहान। आप सही हो गया। ऐसे ना शुरू में सिग्नल काम आ रहे थे, होता है। रोजा है? नहीं, सहरी की थी जी। अब सहरी में क्या खाया? भूल गया। क्या खाया था सुबहान भाई? अभी इतनी लड़कियां बैठी हुई, क्या कर रहे हो भाई? सही तरह से बात करो। देखो कितनी तेज है ये, छोटी सी है ये, कितनी तेज है। हाँ, क्या खाया था सहरी में? चाय पराठा। कंफर्म है? चाय पराठा जी। कंफर्म? अंडा नहीं खाया? घर वाले कह रहे थे अंडा भी खाया तुमने। कैसे पता है? तुम ये तो नहीं सोचे शो पे आके अबे कहाँ जाना था है? क्या हो गया तुम्हें? ये देखो जरा। हाँ तो आप हमें कल क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक अच्छी सी नात सुनाऊंगी। अच्छी सी नात सुनाएंगी? और आप क्या सुनाएंगी कल? नात सुनाएंगी। और आप क्या सुनाएंगी? कोई और स्पीच लेकर आएंगी आप? नहीं नहीं, स्पीच नहीं। हाँ भाई, लाओ भाई माइक दे दो, इसको एक और सवाल पूछना है ये। हाँ भाई, बहुत सवाल है इसके पास। हाँ दिखाएं। एक कुएं के अंदर सो मेंढक है, उसमें से दो टूट, नहीं दो मर गए, कितने बचे? एक मेंढक के अंदर है, एक कुएं के अंदर 100 मेंढक है, हैं? हाँ। तो दो मर गए, तो 98 बचे ना? नहीं, फिर से 100 ही बचे। अबे हाँ, पानी के अंदर ही है ना, 100 ही रहेंगे। और ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेट्रो के गिफ्ट हैंपर्स हैं, वो इनके साथ जाएंगे। ये सब बच्चों के साथ जाते हैं जी। थैंक यू मेट्रो, बोलें थैंक यू मेट्रो। थैंक यू मेट्रो। हाँ, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना, हमारा तो शुक्रिया नहीं बोला तुम लोगों ने। आपने बोला है। अच्छा बोला था, चलो ठीक है। ठीक है जी, चले छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं में जाइए, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। रमज़ान की जब ट्रांसमिशन शुरू होती हैं तो उनमें एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है वो ये स्पीचेस और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इनका हम बड़ा मज़ा लेते हैं। और अब भी मुझे कुछ कहना है का सेगमेंट है। मेरे साथ यहाँ पे जो जजेस हैं वो मौजूद हैं, शहबाज़ इब्राहिम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। इंजीनियर तला आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा मज़े का है जी। जुल्म की छाँव में दम लेने पर मजबूर हैं हम, और हमें आज मुख्तलिफ शहरों से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी तरफ आगे बढ़ूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उजी डेवलपर्स का, जिनकी जानिब से गिफ्ट हैंपर्स भी हैं, और जो जीतेंगे उनके साथ यहाँ से एलईडी जो है उजी डेवलपर्स की जानिब से वो भी जाएगी। उजी डेवलपर्स का कहना है, क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट। सो थैंक यू उजी डेवलपर्स, बिकॉज बच्चों को एक इनक्रेजमेंट चाहिए होती है, और उस इनक्रेजमेंट के लिए ऐसे छोटे छोटे से तोहफे जो हैं वो उनके अंदर और जोश और जज्बा लेकर आते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले तला हुसैन बंगर साहब हैं, जिनका ताल्लुक जामशोरों से है और यूनिवर्सिटी है लम्स। तो आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। आपके पास 2.5 मिनट हैं, 2 मिनट में एक बज़र बजेगा जो कि आपके लिए पहला सिग्नल होगा, और उसके बाद 30 सेकंड के बाद दोबारा बज़र बजेगा, दैट मीन टाटा बाय बाय। सो 2.5 मिनट है आपके पास, ठीक है? सो हिम्मत के साथ और पूरी जान लगा दीजिए। बिस्मिल्लाह। मुनसफीन की इजाज़त से जी, आज दर्जगाहों का सुकून लुट चुका है, हमने वो शमय अमल गुल कर दी है जो हमारे कायद ने जलाई थी सदरेजी वकार। हमने किताबों से मुंह मोड़ कर बारूदी हथियारों से ताल्लुक़ जोड़ लिया। हम मेहनत से जी चुराते और गफलत से लौ लगाते हैं। हमने अपने कान बहरे कर लिए
ताकि कायदे अजम की तामीर वतन के लिए तलकीन हमारे ज़मीर को झिझोड़ ना सके। सदर जी वकार, ये नोहा सिर्फ हम नहीं पढ़ रहे बल्कि ये अलमनाकी एक बैनुल अक्वामी सानहा महसूस होती है, जहां सच को मसलूब किया जाए, जहां हकीकत निगारी करने पर हाथ कलम कर दिए जाएं, जहां पेट का दोजख बुझाने के लिए इंसान नान जवी को तरसने लगे तो वहां का फर्द हो या फिर माशरा वक्त के इबरत कदे में खड़ा होकर ये फरियाद करता हुआ नजर आता है कि जुल्म की इच्छाओं में दम लेने पर मजबूर हैं हम, जुल्म की इच्छाओं में दम लेने पर मजबूर हैं हम। सदरेजी वकार, जुल्म की छाँवों में दम लेने पर मजबूर हम लोग, अगर चाहते हैं कि ये वक्त बदल जाए तो लाजिम है कि हम कायदे आज़म के सिपाही बने, अल्लामा इकबाल के शाहीन बने, खालिद की तलवार बने, हैदर की लौलाक बने, अजमत का मीनार बने, फितरत का शाकार बने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिया बरदार बने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिया बरदार बने, मोहम्मद बिन कासिम सलाउद्दीन अयूबी और फतह अली टीपू की रवायात के सुबार बने, अशद्दु बैनहुम की तनवीर बने, रहम बैनहुम की तफसीर बने, और वतन को इस तरह से निखारें कि हमें ये कहना पड़े, ए अर्ज़े पाक तेरी खाक पे जो भी उतरे हम उसे सवार दें, और जो भी तेरे खिलाफ आए हम उसे निखार दें, और एक ऐसा वक्त आए जब सवरना चाहें तो कुदरत बोले ये पाकिस्तान है और हम इसका मुस्तकबिल हैं, हम इसका मुस्तकबिल हैं। आपकी समाधो का शुक्रिया। घंटी बजी थी 2 मिनट वाली, देखो भाई गेट पे कौन है। अच्छा, कॉमिक्स कॉलेज से हैं हमारे साथ यहाँ पे फातिमा निहाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, माइक सेट कर लीजिए। आज वही हुआ जिसका तलाक कल आपने जिक्र किया था, हम बाद में बात करेंगे, बिल्कुल के कोई प्रेशर ना लें ये लोग, ठीक है ना? ऐसा ही है जी। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नुम बनने के, थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नुम बनने में, हालात गवाही देते हैं, माहौल इशारा करते हैं कि मेरी इन जागती आंखों में टूटते बिखरते सिसकते और तड़पते हुए ख्वाब हैं, मेरे इन कानों में बेबस और लाचार जिस्मों की धाड़े मारती हुई आवाजें हैं, जहां आग के शोले और धुएं के बादल हैं, कहीं कयामत सोरा का मंजर है तो कहीं दिलों को दहला देने वाली जुल्म की दास्तानें हैं, इंसानी जिस्म खतरनाक हथियारों और जहरीली गैसों के असर से हिलने जुलने से कासिर है, मासूम बच्चे पथराई आंखें और साकेत जिस्म लिए हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें क्यों इस तौर मारा गया, और तौर फलस्तीन का बच्चा बच्चा ये नारा लगाता नजर आता है कि आखिर क्यों जुल्म की छाओं में दम लेने पर मजबूर हैं हम, ये कब तलक खून बहेगा मेरी दरगाहों में, कब तलक आंधियां गुलाए चमन तोड़ेंगी, कब तलक अब्र इन गुलाबों पर लहू छिड़केगा, कब तलक शाखें गुलिस्ता की रगे फूटेंगी, कोपले अब भी ना फूटेंगी तो कब फूटेंगी, खुदारा महसूस करो वो कर्ब जो पत्थरों के सीने में भी फसलें गिरिया उगा देता है, जमीन के नुक्तादानों तुम्हारी समात कहाँ खो गई, तुम्हारी बसारत कहाँ मर गई कि तुमने लहू की पहचान खो दी, हजरत आदम अलैहि सलाम के फर्जंदों की बेहुमती हुई और तुम खामोश हो, कोई आवाज कोई पुकार कोई लब्बैक की सदा नहीं, फिरौन दंदनाता फिर रहा है मगर हजरत कलीमुल्ला का नाम लेवा कोई नहीं, अबू जहल इतराता फिर रहा है मगर जुल्म की छाँव में दम लेने पर मजबूर हैं हम, तो ऐ मते मुस्लिमा तुम बेहिस ना बनो, इन आईएमएफ की जंजीरों को तोड़ दो और अमरीका और यूरोप के पिट्ठू ना बनो, और जागो कि हम जिंदा हैं, ये अमरीकी दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राह वफा के रहबर हैं, मंजिल पर जाकर दम लेंगे, जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये धरती, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे, तूफान उठाकर। 25 सेकंड। हैदर अली नकवी, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से। जी हैदर, तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। जब जुल्म की छाँव अजदाद की मीरास में मिली हो तो दम लेना ही पड़ता है सदरे आली वकार, जुल्म
नई नस्ल पर होने वाला जुल्म नहीं, बल्कि अंग्रेजों के घोड़ों के टापों तले कुचले जाने से लेकर महंगाई, नाइंसाफी और बेहिसी के बोझ तले दबकर मर जाने तक हम जुल्म की छांव में दम लेने पर मजबूर हैं। गोरे आकाओं के सामने सर झुकाने वाले हमारे हुक्मरान हमारे सरों पर मौत की तलवार की मानिंद लटकते नजर आते हैं, मगर शूमई किस्मत कि हम उनके खिलाफ आवाज तक बुलंद नहीं कर पाते। जुल्म की छांव में दब जाने की आदत हमारी रगों के बहते लहू में रच और बस गई है। यही वजह है कि आज ना कोई टीपू सुल्तान जन्म लेता है और ना ही कोई मोहम्मद बिन कासिम। आज हमारे हुक्मरान यही सदा लगाते दिखाई देते हैं, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, कुछ देर और सितम सहलें तड़प लें रो लें। अपनी अजदाद की मीरास है माजूर हैं हम, अपने अजदाद की मीरास है माजूर हैं हम। जो कौम जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद नहीं करती, जुल्म के पंजे में दबोच ली जाती है सदरे आली वकार। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की अय्याशियों ने इस कौम को मकरूज कर दिया है। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, क्योंकि इस कौम की बढ़ती हुई बेहिसी ने हमारे दरमियान मौजूद इंसानियत का कत्ल कर दिया है। जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, क्योंकि आज इस मुल्क में लगाए जाने वाले सिंधी बलोची पंजाबी पठान महाजिर पश्तों के नारों ने इस वतन को तकसीम कर दिया है। सदर अली वकार और फिर ये जुल्म बिजली की बंदिश की सूरत में हो या केस की अदम दस्तियाबी की सूरत में, ये जुल्म पेट्रोल की आसमान से बातें करती कीमत की सूरत में हो या अशिया की खरीदो नोश की सूरत में, जुल्म हुआ जब सिंध की अदालतों में उम्मे रुबाब की आवाज को दबाया गया और हम खामोश, जुल्म हुआ जब आफिया सिद्दीकी को गैरों के हवाले किया गया और हम खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे, जुल्म हुआ जब कोरोना के बावजूद मास्क की कीमतों को आसमान तक पहुंचाया गया और हम उस छांव में दम लेते रहे कि अरे हमने कुछ नहीं किया, बेकसूर हैं हम, कुछ कह नहीं सकते लबों से माजूर हैं हम। तुम तोड़ डालो हम पर लाख सितम के पहाड़, बस जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। क्या बात है, रहिए यहीं पे रहिए। हैदर तला आपसे और फातिमा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग भी आ जाएं भाई, इसमें पीटीए भी शामिल कर ले यार, इतना पीटीए बढ़ गया वो उससे बड़ा जुल्म तो हो ही नहीं सकता जी। इतनी अच्छी तकरीर है, वैसे रिजल्ट मेरे सामने ही है, लेकिन जी मैं चाहूँगा कि आयशा जी आपसे शुरू करें यार। तलहा का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा था, तैयारी मुझे लगा कि कम है, फातिमा भी तैयारी के एतबार से कहीं ना कहीं कुछ लफ्ज़ों में जो है वो रुक भी रही थी, अटक भी रही थी। इसी तरह से इन दोनों की जो परफॉर्मेंसेज हैं दोनों की बराबर है। आपने जैसा कहा कि सभी के इल्म में है कि कौन जीता है और किसने, बहुत अच्छा बोला है। मेरे लिहाज से हैदर ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगु था, बहुत जियो बेटे, शाबाश जी। तलहा साहब जी, फैसल भाई, सबसे पहले जो हमारे मुकर्रर आए ना तलहा बंगश, और भी तमाम आने वाले मुकर्ररीन को हम ये हिदायत करेंगे कि जब आप अपनी तकरीर तैयार करा करें तो उसमें कुरान करीम की आयत अव्वल तो शामिल ना करें, और अगर शामिल करें तो उसको सही तरह से अदा करें। जैसे आपने जो आयत पढ़ी ना वो इस तरह से होगी कि वल्लज़ीना माहू अशिद्दाहू अलल कुफ़ार रुहमाऊ बैनहुम। आपने जुल्म के हवाले से जब इसकी निशानदेही की तो आपने उस आयत को गलत पढ़ा, तो कोशिश करें कि अगर आपको उस पर गिरफ्त है तो अदा करें, अलबत्ता आप उसको अदा ना करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तलफ़ुज़ की अगर हम बात करें तो आपने कायदे आज़म कहा, कायदे आज़म होता है। और एक और बात यह है कि जैसे हम भी मज़मून की जब तैयारी करते थे ना और पेपर में वो वाला मज़मून नहीं आता था तो जो हम याद करके गए थे ना बस उसको बदल बदल के लिख देते थे, तो आपकी जो तकरीर थी आज आपका जो मवाद था वो किसी दूसरे तकरीरी मौजू का मवाद था जिसको आपने इधर ला के फिट कर दिया। बहरहाल आपका जो है वो कंटेंट में नंबर कम रहा। फातिमा आपको एक बात बता दूं कि देखें जब ढाई मिनट का आपके पास वक्त होता है ना तो तकरीर में नसर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है बनिस्बत शेर के। आपने अपनी ढाई मिनट की तकरीर में तीन से चार बंद पढ़ दिए तो आप बताइए कि मवाद में नसर ऑलरेडी कम हो जाएगा तो हमें सुनने को मवाद नहीं मिला, तो इस तरह से मवाद के नंबर भी आपके मिन्हा हो गए। हैदर आप बहुत अच्छा बोले, और अगर क्या ही और अच्छा होता कि आप जो डेक्लेमेशन का अंदाज़ है कि पाउस फिर उसके बाद दोबारा से उतार चढ़ाओ, तो आगे के राउंड के लिए ये चीज़ जो है वो आपको और ज़्यादा मददगार साबित करेगी। तो बेस्ट ऑफ लक हैदर आपके लिए, बाकी
मज़ीद फैसला जो है वो शहबाज भाई जी हाँ, और फातिमा का मैंने नोट किया था, ये असल में गलतुल आम हो गया कुछ, ख्वाब कहना जी, ये ख्वाब है थोड़ा सा, इसको भी साथ साथ चूंकि आप लोग उसमें मुझे खुशी हुई इनकी हैदर की कि इन्होंने कत्ल पढ़ा, कत्ल वरना कत्ल आम तौर पे लोग करते कत्ल कहते हैं कत्ल, तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी शहबाज भाई, बाकी चीज़ें तो जिस तरह तलहा भाई ने क्लियर कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो बोलना चाहूँगा, तलहा का मुझे अंदाज़े बयां अच्छा लगा, बस तैयारी अच्छी करें, और साथ साथ फातिमा निहाल आप भी तैयारी में थोड़ा सा मुझे लगा कि और ज़्यादा अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी। हैदर के लिए मेरे पास जो अल्फाज हैं वो ये हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसियुल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, हाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। तो बहुत अच्छी तकरीर लगी मुझे, बस ये है कि मंजर के दौरान अपनी स्पीड थोड़ी कम करें, बाकी ये है कि आपकी स्पीड जितनी भी हो, वर्ड समझ आ रहे हैं लफ्ज समझ आ रहे हैं तो बेहतर है, बेस्ट है। जी हाँ, और बिल्कुल ये रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, अनाउंस कर दीजिए नंबर्स के हिसाब से, आज आयशा अनाउंस करेंगी, लेकिन मैंने अक्सर नोट किया है बच्चे यहाँ पे आते हैं ना तो वहाँ खड़े होकर ना रिपीट कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स देने भी जाते हैं ना तो एक घंटा पहले बिल्कुल शट ऑफ कर दिया करें अपने आप को, 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले बिल्कुल शट ऑफ करके रीस्टार्ट करें अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। जैसे हम भी कभी सीन्स याद करते हैं ना तो होता ये है कि हम सीन याद करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन जब जाके रिहर्सल्स पर खड़े होते हैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं अपने आप को। अंदाज़ तो तीनों का बड़ा कमाल है, एक एक जो बात करने का अंदाज है मुझे तो तीनों का बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, लेकिन वो आप जाहिर सी बात है मवाद भी देख रहे हैं और भी चीज़ें देख रहे हैं, मवाद तुम लोग कुछ और मत समझना, कंटेंट को कहते हैं, पता लगा मवाद तुम लोग कह रहे हो कि पता नहीं क्या मवाद है। सो जनाब जो हमारे रनर्स अप होंगे उनके साथ ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, और जो आज विनर होंगे उनकी तरफ से ओजी डेवलपर्स की तरफ से एलईडी जानी है, तो जनाब देख लें कि किसको आज एलईडी जा रही है और किसको गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। जी आयशा, तलहा और फातिमा जो हैं वो रनर अप हैं और हैदर अली जो हैं वो हमारे आगे जा रहे हैं, आज के विनर हैं, तो ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर बेटा आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक, हार्ड लक, दैट्स ऑल आई कैन से। आप बाहर आइए और ये अपनी एलईडी लीजिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक ओजी डेवलपर्स की तरफ से, राइजिंग बियॉन्ड, कीप इट अप, कीप इट अप। हमारे जजेस साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं, अगला सिलसिला है जेर जबर का, फिलहाल छोटे से एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमजान। फंस जाता है जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जेर जबर में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ, हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और तीनों पार्टिसिपेंट्स में मैं तारुफ करवा दूँ, कराची यूनिवर्सिटी से मोहम्मद ताहिर हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ताहिर, ज़ैनब मकसूद हैं तबानी स्कूल से, और अहमद रज़ा हैं ज़ियाउद्दीन से, आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। ये बज़र राउंड होता है, बज़र राउंड में मैं बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे कि घंटी बजा के थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जजेज हमें बताएंगे कि किसने बजाई है, बिकॉज मैं नीचे देख रहा होता हूँ, मैं जज नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद जब हम कहें तो फिर आप जवाब दीजिएगा, वरना जवाब ज़ाया हो जाएगा। तैयार हैं, बिस्मिल्लाह करें, इजाज़त है जी, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो सोच समझ के घंटी बजाइएगा, एक दफ़ा बजा के देख लें घंटियाँ सही हैं, आप बजाएँ सही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम बताइए। सी, खैबर पख्तून के वज़ीर आला का नाम जो है वो अली अमीन है। अली अमीन गंडापुर, सही जवाब। 2024 में होने वाला पीएसएल तरतीब के एतबार से कौन सा नाइन्थ, बिल्कुल सही, नौवा। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का नाम बताइए। डिप्टी असेंबली का जो स्पीकर है उसका नाम है अयास, गलत जवाब, नवीद एंथनी। बीबी फातिमा तुज़ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यौम विलादत बताइए। बी, बी, यौम विलादत बतानी है, ज़िलहज, ज़िलहज क्या तारीख के यौम बताएं, महीना नहीं यौम, अच्छा तारीख, जमात सानी
20th जमात सानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीबी फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ पैदा हुई? बी मक्का। बिल्कुल सही जवाब। हजरत बीबी फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम बताइए। बीबी खदीजतुल कुबरा। बीबी खदीजतुल कुबरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीबी फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अबिया है, इसके मायने क्या हैं? उम्मे अबिया, इसके मायने क्या? अपने बाप की माँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आपके किस चचा ने अपनी एक लौंडी आज़ाद कर दी? जी अबू लहब। बिल्कुल सही जवाब। मयसर रकबे के लिहाज से एशिया सबसे ज़्यादा गैर आबाद मुल्क कौन सा है? मयसर रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे ज़्यादा गैर आबाद मुल्क कौन सा है? नहीं पता, मंगोलिया। बरे आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी का नाम बताइए। माउंट कैली मंजारो तंजानिया। इंटरनेट पे होने वाला www किन अल्फाज का? ए वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही। जलजले की शिद्दत नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? आपने सुना होगा कि इतना था जलजला, इस उस पे जलजला आया है, 5.6, 7.2, अल्लाह ना करे 7.2, 6 पॉइंट समथिंग। हाँ यूं ही हिल होंगे 7 पे तो। रेक्टर स्केल या सेस्मोग्राम। बिशारुल असद किस इस्लामी मुल्क के सदर हैं? बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान है। शाम शेर मुकम्मल कीजिएगा। खुदा का जिक्र करे जिक्र ए खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। क्या बात है जी। मशहूर समाजी वेबसाइट ट्विटर का नाम तब्दील करके क्या रख? एक्स। एक्स जो चल ही नहीं रहा है पाकिस्तान में जी। तरतीब के एतबार से रमजानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा नवा। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, ये वन बाय वन है, पहले ए के लिए, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, वो सामने आपके स्क्रीन है। कुछ तस्वीर आएंगी, आपने पहचानना है कि ये कौन सी जगह है, कौन सी शख्सियत है या क्या चीज़ है जी। तो सबसे पहले ए के लिए, ये साहब कौन है? पिछला साल मेहदी हसन साहब। बिल्कुल मेहदी हसन खान साहब जी। हाँ ये इसमें सही बताया, ये वो नहीं है जी। उमर शरीफ साहब। बिल्कुल उमर शरीफ साहब जी। ये क्या है? फॉक्स। आप कह रहे हैं लूमड़ी जी। ये भेड़िया है तो सेम होता। गलत जवाब हैं? नहीं नहीं सॉरी। लूमड़ी अलग चीज है, भेड़िया अलग चीज है भाई। सॉरी सॉरी। अलग कबीले के। ठीक है ठीक। दो अलग कबीले हैं ये। इसके कबीले में कुत्ते आते हैं। अच्छा। भेड़िए उस नस्ल से नीचे कुत्ते आते हैं जी। आप बी के लिए दिखाइए पहली तस्वीर। ये क्या है? कैंगरू। बिल्कुल सही जवाब। और ये कौन सा है? लेजेंड नहीं है? नहीं नहीं, मुझे नजर आ रही है। मोइन अख्तर साहब हैं जी। अगली तस्वीर। नुसरत फतेह अली खान। बिल्कुल सही जवाब जी भाई। सी के लिए। जी जी बताइए। चुपके चुपके रात दिन आंसू। उस्ताद गुलाम अली साहब जी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये क्या है भाई? बहुत आसान है ये तो। बताइए। ये वॉल्फ हैं? वॉल्फ वॉल्फ कल आया था
क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ जाया वॉल्फ ठीक है भाई आइबेक्स मारखोर कौमी जानवर था आपका जी रंगीला साहब हो गए डन। अब हम बढ़ेंगे रैपिड फायर की तरफ। नहीं आता समझ सवाल पास कर देना, टाइम मत जाया करना ठीक है। मैं ज़रा थोड़े से पेजेस खोल लूँ ताकि आसानी चले मुझे, वरना मैं फंस जाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तैयार है? 50 सेकंड है आपके पास। ठीक है। 1, 2, 3। इस्लामी साल पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। बिल्कुल सही जवाब। PSL 9 में मोहम्मद रिजवान किस टीम के कप्तान है? मुल्तान सुल्तान। अबू लहब की बीवी का नाम बताइए। पास। पास। उम्मे जमील। इमाम बरी का मजार किस शहर में वाकिया है? रावलपिंडी। इस्लामाबाद। बिल्कुल सही। चीन की करेंसी का नाम बताइए। येन। बिल्कुल सही। समरकंद और बुखारा किस मुल्क के मशहूर शहर हैं? पास। पास। उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मर्तब शुमारी कब हुई? 1952। स्पीकर कौमी असम्बली का नाम बताइए। अयाज सादिक। बिल्कुल सही जवाब। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। पास। पास। सोल। हजरत ज़करिया अलैहि सलाम के बेटे का नाम क्या था? पास। हजरत यहया अलैहि सलाम। बाबा कीमिया किसे कहा जाता है? जाबिर बिन हयान। बिल्कुल सही जवाब। सूरह बनी इसराइल कुरान मजीद के कौन से पारे में है? तीसरे। 15वें। जी टीम बी आपसे पूछेंगे हम, थोड़ा सा यही सिलसिला रहता है। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड ऊपर देता हूँ क्योंकि हम जवाब भी कहा मुझे गया कि भाई जवाब भी बताया करें, हमें जवाब भी सुनने होते हैं। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो ज़रूरी है, वरना मैं छोड़ दे रहा था जो गलत जवाब होते थे। तैयार हैं आप? हजरत बाबा फरीद शकरगंज का मजार कहाँ है? कसूर। पाक पतन। UAE किन अल्फाज का मुखफ़ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल सही। अलजबरा के बानी किसे कहा जाता है? पास। इब्ने मूसा। बांग्लादेश का कौमी जानवर कौन सा है? पास। बंगाल टाइगर। तरतीब के एतबार से रबीउल अव्वल कौन सा इस्लामी महीना है? पांचवा। तीसरा। अब्दुल सत्तार ईदी का यौम वफात बताइए। पास। 8 जुलाई 2016। सूरह तौबा कुरान मजीद के कौन से पारे में है? 27वें। 10वें पारे में। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में वाकया है? पास। मर्दान। PSL 9 में कराची किंग्स के कप्तान कौन थे? शान मसूद। जापान की करेंसी का नाम बताइए। पास। जापानी यन। प्यांगयांग किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? कोरिया। बिल्कुल सही जवाब। जन्नत से निकाले जाने के बाद हजरत आदम अलैहि सलाम को दुनिया के किस मुल्क में उतारा गया? पास। एडम्स पीक बड़ा मशहूर है जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे हजरत आदम अलैहि सलाम के पैरों के निशान भी हैं। मैं तो देख कर आया हूँ और आज साबित कर रहे हैं कि वो हजरत आदम अलैहि सलाम के पैरों के निशान नहीं है, वो तो कुछ और है। श्रीलंका एक्चुअली उसको साबित कर रहे हैं अपनी प्रोपोगंडा फिल्मों के ज़रिए कि वो हज़रत आदम अलैहि सलाम के पैरों का निशान नहीं है, वो तो कुछ और है। सो एनीवे हज़रत आदम अलैहि सलाम के पैरों के निशानात हैं वो जो कि एडम्स पीक है जहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर कभी श्रीलंका जाएँ तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पर, एडम्स पीक उसे कहते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। यूनान के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। चाइना। बीजिंग। अबे ईथन। स्पीकर सिंध असेंबली कौन है? अयास सा। अवैस कादिर शाह। पाकिस्तान में आखिरी बार कब मर्दमशुमारी हुई? 2021-23। सूरह जिन कुरान मजीद के कौन से पारे में है? सूरह जिन 25वें। 19वें पारे में। मौलाना रूमी का मजार किस मुल्क में है? पास। तुर्की। हाल ही में कायम होने वाली इमाम गजाली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के किस शहर में? पास। कराची। कुरान मजीद की किस वाहिद सहाबी का नाम आया है? कुरान मजीद। हज़रत ज़ैद। बिल्कुल सही जवाब। SSP किन अल्फाज का मुखफ़ है? पास। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। चीन के कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। पांडा। चीन का। जुल्फिकार अली भुट्टो को कब फांसी हुई? 17 अगस्त 1998। 98
17 अगस्त को हुई। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बात हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है, अब तो वो मसला भी क्लियर कर दिया। 17 अगस्त को उनको बरी जमा किया गया है फिलहाल। भाई 4 अप्रैल 1979। एक आखिरी सवाल पूछा बिकॉज मैं अटका था। इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? ज़िलहज। बिल्कुल सही जी। रिजल्ट चाहिए होंगे हमें। और इसमें एक और चीज है कि सूरज जिन 29वें पारे में, 29वें पारे में, 19वें में नहीं है, 29वें में। हाँ तो मैंने बोला था ना, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अच्छा फंबल हुआ जी, स्लिप ऑफ टंग। यहाँ पर बताना चाहूंगी, चूंकि हर आज के दिन को मंसूब किया जाता है हजरत फातिमा तुज़हरा से, जी जी, तो आज अबीहा के बारे में आपने पूछा था, तो मैं ये लाजमी बताना चाहूंगी। अबीहा उनको इसलिए कहा जाता है, रसूल ने कहा कि आप मेरी अम्मी की तरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसलिए कहा था कि ताइफ में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पत्थर मारे गए, तो वो रास्ते पर ये सोचते रहे कि मैं जब घर जाऊंगा और फातिमा को देखूंगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। और जब घर पहुंचे हैं तो एक बुर्दबार सी बेटी ने वेलकम किया अपने बाप का, और कहती हैं कि आए मैं आपके हाथ पैर धुला देती हूँ। और फिर फरमाती हैं कि रसूल खुदा ने जब उनका ये अंदाज़ देखा ना, तो आप कहते हैं फातिमा अंती उम्मे अबीहा, तुम अपने बाप की माँ। कितना खूबसूरत, मतलब ये आप ये समझें कि कितनी अच्छी बेटी हैं ये, जो वालिद जो हैं उनको कहते हैं कि तुम। और हर जगह पर उन्होंने किस तरह से रसूल खुदा का साथ दिया है, किस अंदाज से उन्होंने मरहम पट्टियाँ की हैं, किस तरह से उजड़ियाँ उन्होंने हटाई हैं, ये बस उनको सलाम है। उनके सदक़े अल्लाह हम सब की मग़फ़रत करे, और उनके उनके सदक़े से अल्लाह ये दुआ मैं मांगती हूँ कि जन्नत में सय्यदा की कनीज़ें जहाँ रहें। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए रिजल्ट दिखाइए जनाब। टीम सी है जी 80 पे, टीम बी है 90 पे, और टीम ए है 150 पे। यू प्लेड वेरी वेल। और ये ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा। ये ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा। फोटाइल की तरफ से ये गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एट्रियम मॉल की तरफ से डिस्काउंट वाउचर्स हैं जी, ये भी आप तीनों के साथ जाएंगे। ये भी आपके साथ जाएगा और ये भी आपके साथ जाएगा, एट्रियम मॉल की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ आगे जा रहे हैं, और थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कर फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। मैं फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फातिमा ज़हरा नबी के घर में जो रहमत है, फातिमा ज़हरा खुदा की खास इनायत है, फातिमा ज़हरा जमाना कहे
रसूल पाक की इत्रत है फातिमा जहरा रसूल पाक की इत्रत है फातिमा जहरा नबी के घर में जो रहमत है फातिमा जहरा खुदा की खास इनायत है फातिमा जहरा नबी के रहमत है फातिमा जहरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे कॉल्स अगर हम ले लें ताकि उसके बाद जब आलिम आते हैं तो फिर हम वो सवाल अपने जो उलमाए कराम हैं उनसे पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फैसल भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कमाल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करम शकील भाई, तो आपके शो की बहुत तारीफ करनी थी माशाल्लाह। आपका शो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे शरारती अंदाज से इस तरह बातें कर रहे होते हैं देख के दिल खुश हो जाता है। थैंक यू थैंक यू। और दूसरा आपके जब उल्मा आएंगे उनका एक उनका सेगमेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सब आपने जिस तरह से पैनल को सब तमाम मकातबे फिक्र के लोगों को बिठा के एक क्या कहते हैं उसको चादर के झंडे के नीचे सब माशाल्लाह से आपके प्रोग्राम के अंदर रौनक ही लगा के रखते हैं। थैंक यू जी। बस यही कोशिश रहती है हर साल कि ये जो खामखा हम इतना बट के रह गए कभी शहरियत में कभी सूबाइयत में कभी मसलकों में कभी पार्टियों में तो कहीं तो हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाएं। तो बस यही छोटी सी एक कोशिश है। अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए, मैं फिर उलमाए कराम आएंगे तो उनसे पूछ लूँगा। जी जी, दरअसल मैं मेरा जो है वो ऑफिस काफ़ी दूर है यहाँ से, मेरा पोर्ट कासिम की तरफ जाना होता है, कराची में ही रहता हूँ मैं। जी जी। लेकिन मसला ये कि मैं जूते जब पहन के जाता हूँ ना तो मुझे वजू करने में बड़ा मसला होता है, तो वो किसी ने मुझे बताया था कि वजू जो है आप मोजे के ऊपर मसा कर सकते हैं, तो इस हवाले से उलमाए कराम की रहनुमाई चाहूँगा मैं। अच्छा आप तो ठीक है, जब वो आए तो आप सवाल मेरा दोहरा दीजिएगा। कमाल कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नोट कर लें फैसल भाई ये सवाल जो है कि ये मसा कर सकते हैं मोजे के ऊपर, वो ये पूछना चाह रहे हैं। शर्मे कुर्बे दावरे मैं हे शर मिला मुझे में कुर्बे दावरे मैं हे शर मिला मुझे खिलती महकती भीगती रातों के सर मिला मुझे वो हुजरे दुरूद में अक्सर मिला मुझे महशर में कुर्बे दावरे महशर मिला मुझे।
अल्लाह। और खुशामदीद कहते हैं आपको फिर ये हम किचन में, लेकिन आज किचन में दो दो चीज़ें हो रही हैं, आप बना रहे हैं चिकन विंग्स और आप बता रही हैं हमें कोई दवाई, नहीं आप बता रहे हैं दवाई जी, और जी। आप बना रही हैं चिकन लॉलीपॉप। बिल्कुल जी। हाँ, वैसे हकीम साहब भी बड़े अच्छे लॉलीपॉप बनाते हैं। हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा फ्लेवर में डिफरेंस होता होगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, थोड़े से कड़वे टाइप के और थोड़े से देखिए शेफ आप जो बनाती हैं जी जी, काफी लोगों को स्पाइसी भी हो जाता है तो उसके बाद मैदे में तेजाबियत होती है अक्सर लोगों को। बिल्कुल ठीक। तो आज हम उसको दूर करने का तरीका बताएंगे। अच्छा। कि आप किस तरीके से अपनी तेजाबियत को दूर कर सकते हैं, हाथ पांव की जलन, मैदे का जलना, मुंह का जायका तब्दील होना और साथ में भूख ना लगना। हाँ। क्योंकि हम बना इतना लेते हैं लेकिन कुछ खाते नहीं है। हाँ। और जो ये दिल में जलन होती है इसका क्या करें? देखिए मैदे में जलन होती है, दिल में नहीं होती है, नहीं, दिल में घबराहट होती है, खामखा जलन हो रही होती है। हाँ, ये एक ये बात होती है। उस हाँ। जलन को दूर करने के लिए सबर का फल इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये आपके पास है कतीरा गोंद? जी जी बिल्कुल। आज जिन लोगों को भी मैदे में जलन रहती हो, गैसेस बहुत होती हो, तेजाबियत बहुत रहती हो, मुंह का जायका कड़वा कड़वा फील होता हो, ये बाज़ों का फैटी लीवर की वजह से भी होता है और तेजाबियत की वजह से भी होता है। आमतौर पर चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, किसी भी किस्म का मशरूब बनाते हैं आप, उसमें भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमतौर पर एक गिलास पानी लेंगे आप इस तरह, उसमें आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे बलंगा डालेंगे आप। तुख्मे बलंगा या तुख्मे मलंगा? इसे मलंगा कहते हैं लेकिन किताब हिकमत के अंदर तुख्मे बलंगा कहा जाता है। अच्छा। ये है गोंद कतीरा, ये भी हम आधी चाय वाली चम्मच लेंगे। ये इस्पगोल दाना है, एक इस्पगोल छिलका होता है, ये इस्पगोल दाना लेना है आपने आधी चाय वाली चम्मच। इस तरह आप इसे मिक्स करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इफ्तार के टाइम पे, ये फूल जाएगी। और फिर आप इसे, अगर आपको शुगर है, इफ्तार करके तो बड़े लोग फूल जाते हैं, नहीं ये भी भूल जाती। अच्छा। है तो इसको आपने शेक करके पी लेना। आप इसके अंदर किसी भी किस्म का मशरूब भी डाल सकते हैं, अगर आप इसमें कोई जायके के तौर पे, मिठास के तौर पे गुड़ या चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप, लेकिन ये फीका है, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, जितने लोगों को भी तेजाबियत जलन मैदे में हाथ पाँव जल रहे हों ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है भूख नहीं लगती है, बीपी लो रहता है, निढाल हो जाते हैं लोग, और खाने के बाद अक्सर लोगों को वॉमिट होने के चांसेस होते हैं। तो ये उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये चार दाने आलू बुखारा लेना है, ये चार अदद सूखा आलू बुखारा लेना है। हाँ। ऐसे डाल लेना है। हाँ। और एक चाय वाली चम्मच सौंफ इसी पानी के अंदर मिला के ऐसे थोड़ी देर के लिए आप इसे सूखा आलू बुखारा और सौंफ, बस दो चीजें हैं। ये कितनी देर छोड़ना है? सिर्फ 15-20 मिनट छोड़ना है इसको। फिर उसके बाद इसे शेक करके आप छान के पी लें, एक तो जायका भी अच्छा होगा और थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगेगी, इंशाल्लाह आप दूसरों के हिस्से का भी खाना खा जाएंगे, इतनी भूख लगेगी। तो और जिन लोगों को निढाल हो रहे होते हैं ना, जैसे बीपी लो हो रहा होता है रोजे के बाद भी, तो ये उनके लिए भी बेहतर है। हमारे यहाँ तो यही होता है, हम दूसरे के हिस्से का ही खा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, आप बातें वैसे बिल्कुल जबरदस्त वाली कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी, अल्लाह मेरी सुने ना। अच्छा, सुनाइए। अक्सर लोग रोजा खोलते हैं ना, एकदम सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ। चकरा जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, कोई मेडिकेशन भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको दर्द रह रहा हो, आपके घर में देसी लहसुन मौजूद होता है, उसके दो जवों को छील के उसको कुचल के रोटी में लपेट के खा लें आप, 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो, वो भी लहसुन खा सकता है? वो भी खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। अदरक लहसुन हर एज के लोग भी खा सकते हैं, ये कोई दवा नहीं है, ये तो एक गिजा है। अच्छा। और दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लहसुन का बहुत अच्छा किरदार होता है। हाँ। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, बीपी लो या हाई हो दोनों में एक चलता है ये। लेकिन जिन लोगों को लहसुन से तेजाबियत होती है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसे रोटी में लपेट के खाएं। ठीक है। आपको तेजाबियत नहीं होगी और सर दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि फूड पॉइजन हो जाता है इतनी चीज़ें खाने के बाद। माशाल्लाह, खाते भी तो हम इंसानों की तरह नहीं है। तो जिन लोगों को भी फूड पॉइजन या ऐसे चांसेस हो जाते हो, पेट पत्थर बन जाता हो या वॉमिट हो रही हो, डायरिया होने के चांस हो, तो आपने चार पत्ते पुदीना के लेने, ताज़ा पुदीना के, और एक सब्ज़ इलायची को 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा करके आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें, आपको काफ़ी सुकून हो जाएगा। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया। और ये देखें, अब आप कह रहे हैं कि ये इससे ये कर लें वो कर लें, पहले इनसे पता कर लें ये खाने के बाद क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या बना रही हैं आज? बनाने से पहले मैं चाहूँगी ये थोड़ा सा डिटॉल के, आपने टॉमी से छीनी है। समझ लीजिए, आज मैंने उसको खाने नहीं दिया और मैंने कहा कि नहीं मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। अच्छा जी, हम पहले बात करेंगे डिटॉल की।
जो कि मैं मोस्टली ब्रेक में करके रखती हूँ। जनाब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डिटॉल स्किन केयर, जिसका मज़ेदार सा जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें क्या करता है कि जो पिंपल्स फैलाने वाले जरासीम होते हैं ना सिर्फ हमें उनसे दूर रखता है बल्कि इसके अंदर बड़ी बेहतरीन सी खुशबू है जो आपको बड़ी फ्रेशनेस की जो है वो फीलिंग दे रही होती है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि ब्यूटिफुल स्किन इज़ एक्चुअली द हेल्दियर स्किन, सो आई ऑलवेज प्रेफर एंड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप लोग डिटॉल को ज़रूर यूज़ किया करें किचन में जाने से पहले। तो जनाब हम हैंड वॉश कर चुके थे जब भी आपने देखा होगा ड्यूरिंग ब्रेक, और इनफैक्ट अभी शाह साहब जब बना रहे थे तो मैं कर रही थी काम यहाँ पर। अच्छा, हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन लॉलीपॉप्स, ठीक है, राइट? चिकन लॉलीपॉप्स बनाएंगे और जिन्हें ड्रमस्टिक्स भी कहते हैं अगर हम कह सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल ड्रमस्टिक्स हैं, लेकिन ये थोड़ी सी चीजी चीजी सी हैं, हमने इसके अंदर चीज़ वगैरह भी फिल करनी है और सारा काम करना है। अच्छा जी, तो हमने उसके लिए क्या करना है, चिकन दे दे मेरे, चिकन एंड पोटैटो। हाँ, पहले कॉल ले लेते हैं चिकन, तब तक आ रहा है चिकन को फोन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह और टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। और अभी तो मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। हकीम साहब से? जी जी। आप श्योर हैं? मुझे बस हकीम साहब से पूछना था, जैसे अभी इन्होंने एसिडिटी का बताया ना, तो मुझे तीन किस्म की एसिडिटी होती है कि मुझे ड्रिप लगती है, मतलब मुझे बिल्कुल कोई चीज़ भी मिर्चे वगैरह कोई भी चीज़ खाऊं, आपने लहसुन का बताया तो मुझे अर्थराइटिस भी है, तो मैं अर्थराइटिस के लिए जब लहसुन खाती हूँ तो भी मुझे एसिडिटी शुरू हो जाती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिटी है। और जॉइंट पेन भी बहुत ज्यादा है, मुझे चोट लगी थी, मेरी बैकबोन का प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरी अच्छा। बैकबोन जो है वो थोड़ा सा डिस्क हिली भी नहीं है, क्रैक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हूँ। लोग हैरान होते हैं, डॉक्टर देख के मुझे हैरान होता है कि आप चलती कैसे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलती सकती हूँ। मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है? मैं 53 अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र नहीं पूछते औरतों से? नहीं नहीं। नहीं नहीं, हस्बैंड ने तो कभी कहा ही नहीं है, दुनिया कहती है, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। बहरहाल तो मुझे बस ये पूछना था कि ये एसिडिटी का कोई और नहीं है, क्योंकि इसका होल और पता नहीं कितनी चीजें मैं इस्तेमाल करती थी लेकिन मेरी एसिडिटी सही नहीं होती, मेरे में दर्द भी होता है, शदीद किस्म का दर्द होता है। बिल्कुल, तो मेरी उसके लिए मुझे मैं बिल्कुल आप स्क्रीन के सामने आ जाए। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू फॉर द कॉल। फैसल भाई, इनका जो है ना एच पेलोरी का बैक्टीरिया जो है ना वो एक्टिव हुआ, जो अल्सर का सबब हुआ है। एच पेलोरी, एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये मैदे में और छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर का सबब बनता है, जिसकी वजह से ये कुछ भी पानी भी पीती है इनको एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, और बाज़ लोगों को इसके साथ घबराहट भी फील होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है रेवंद चीनी, रेवंद चीनी, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें और एक चम्मच इस्बगोल छिलका वो भी इसी पानी में डाल लें, मिक्स करके दिन में दो बार पिएं, इफ्तारी के बाद और सहरी के टाइम पे पिएं आप, आप देखिएगा आपको पूरे दिन में तेजाबियत नहीं होगी, लेकिन इसे कुछ अरसा यूज़ कीजिएगा, महीना 45 दिन, इंशाल्लाह ताला परमानेंट ठीक हो जाएंगी आप। ये नाम होते हैं ओरिजिनली आपने रखे हुए? नहीं नहीं, हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है ये, ये ऐसे ही लग रहा है। रेवंद चीनी, रेवंद चीनी है, रेवंद खताई है। अच्छा जी जी। और दूसरी चीज इन्होंने बताया, इनके मोरे हिले हुए हैं, डिस्क हिली हुई है। लाओ ना दो भाई सामान, क्या चाहिए? जिन लोगों की भी डिस्क हिली हुई है और कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, इसमें L4 और L5 के मोरे जो है वो हिल जाते हैं और इसकी वजह से अर्थराइटिस भी इनको हो रहा है, घुटनों में गैप आया हुआ, टक टक की आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए और मोरों को भी ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी, चोप चीनी एक लकड़ी होती है, इसको बारीक पाउडर बनाना है, आपने 50 ग्राम लेना है, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चम्मच रात खाने के बाद, एक कप दूध या पानी से कंटिन्यू 3 महीने इसका पाउडर बना के खाना है। अच्छा, इन तमाम मैंने कहा शायद पाउडर पीना है। नो, पाउडर बना के खाना। हाँ, नहीं नहीं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आ रहा हूँ, ये पुरानी दोस्ती है तो तंग करता हूँ, छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और किचन में इस वक्त तैयारी चल रही है बड़ी ज़बरदस्त,
आज बन रही हैं कुछ चिकन लॉलीपॉप स्लैश चिकन ड्रमस्टिक्स विद सम न्यू रेसिपी। और हमारे हकीम साहब जो हैं, हकीम शाहनजीर साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कुछ तीन चार चीज़ें बता दी। एक बहन की कॉल भी आई थी, उनको इन्होंने कहा पाउडर आप जो है वो बना लें जड़ी बूटियों का जी जी हाँ, कोई और पाउडर करने का। सो जी नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई आज की रेसिपी, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, देखिए कोई ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके घर पे बनती है वो शेयर कर लें, क्योंकि ओजी डेवलपर्स की तरफ से हमारे पास बहुत सारे तोहफे हैं आप लोगों के लिए, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ले लें, वरना यहाँ पड़े रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ ले जाएँ आप लोग, कोई मज़े की रेसिपी भेजें हमें, व्हाट्सएप करें, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, हमें फेसबुक पे भेजें, कोई मज़े की रेसिपी बना के ज़रूर शेयर करें। जी सॉरी शेफ साहब, मैं नो इशू। अच्छा आज हम बना रहे हैं चीज़ी ड्रमस्टिक, मैंने शॉर्ट कर दिया था उसको चिकन लॉलीपॉप्स, नाम आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख लें, आपका अपना बेबी है जो चीज़ें आप क्रिएट करते हैं। इसमें हम क्या करें, सबसे पहले मैं चिकन की बात करूँगी, क्योंकि ये है सब्रोसो की चिकन, मैं डेली बेसिस पर आपको बता रही होती हूँ, हेल्दी एंड हाइजेनिक होती है, आप स्ट्रेट अवे पैकेट से निकालें, आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, आप उसको स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उसमें बिल्कुल ऐसा फ्लेवर है कि आपने घर में बनाया हो, बेफिक्र होकर उसको यूज़ किया कीजिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सब्रोसो इज़ द बेस्ट यू नो प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया है, ये है हमारे पास सब्रोसो की चिकन। इसको मैंने क्या किया था कि मैंने सब्रोसो की ली थी ड्रमस्टिक्स, राइट, ऐसी नहीं थी सब्रोसो की, ऐसी नहीं थी ऑनेस्टली, ये प्रॉपर ड्रमस्टिक्स थी। इसको मैंने बॉयल किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 6 हमारे पास थे ड्रमस्टिक्स, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके साथ थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें जो चिकन थी उसको मैंने ये कर लिया, इस तरह से श्रेड कर लिया। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बारीक श्रेड करें या आप इसको थोड़ा सा मोटा जैसे मैंने रखा है, ताकि थोड़े से चिकन के चंक्स आपको मिलते रहें। ठीक है, हम सारी ले लेते हैं ना। ये तकरीबन 6 ड्रमस्टिक्स हैं जिसका मैंने सारा इसमें चिकन जो है वो श्रेड कर लिया है, और तकरीबन आप 2 जो हैं वो मीडियम साइज़ के आप इसके अंदर पोटैटो ले सकते हैं, वो ऐड कीजिए। अब हम इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट हम थोड़ा कम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉइलिंग के टाइम पे इसके अंदर डाल दिया था। और थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला है चिकन पाउडर, इसके साथ हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, जो आपको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा। अब आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छी से अच्छी चीज़ हम जो है बना सकें, राइट। एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, राइट। और मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी, फ्रेश लेमन का जो जूस होता है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। मिक्सिंग के बाद हम थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है, 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब है इसकी बड़ी मज़ेदार सी ट्रिक जो हमें देखनी है, वो क्या करना है, मिक्सिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सबके पास देखें अवेलेबल नहीं होता, क्लिंग रैप जो होता है वो नहीं होता, सेलो रैप नहीं होता, ये सिंपल आपको मिल जाती हैं, ये दूध की थैलियाँ, राइट, ट्रांसपेरेंट थैली आपने लेनी है। और इसको कटिंग कर लिया था मैंने, कटिंग करने के बाद ये रखी हुई है मेरे पास। ठीक है जी, मैंने इसका एक पीस कटिंग कर लिया था, वैसे तो मैंने ग्लव्स पहने हैं, बट इसमें ना आपको हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। अब ये जो बैटर आपने बनाया है, इस बैटर को आपने क्या करना है कि इस पर रखना है, थोड़ा सा इस तरह स्प्रेड करना है, जितना आपको एक स्टिक पे लगाना है। बहुत मोटी जंबो साइज़ की चाहिए तो ज़्यादा लगा दीजिए, और कम चाहिए तो थोड़ा सा बैटर कम कर दीजिए। ठीक हो गया जनाब, ये रखा हमने यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मोज़रेला एंड चेडर चीज़ दोनों मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली थी, उसको मैंने इसके अंदर इस तरह मिक्स किया और यहाँ हमने रख दिया। अब लेना है इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो ज़रा सा मोटा होता है, वो रखेंगे इसके बीच में, और आपने इसको ऐसे उठाना है, और उठा के आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है। अगर आप हाथ से शेप देंगे, थोड़ा सा उसको ऐसे दबाइएगा, ताकि ये जो है ना हमारा अच्छे तरीके से ये बोन के ऊपर जो इसका हमने मिक्सचर बनाया है चिकन एंड पोटैटो का, वो लग जाए। इस तरह आप इसको दबाएं, दबाने के बाद आप इसको अच्छे से निकाल लें इसके अंदर से। ठीक हो गया जी, ये देखिए ये आ जाएगा आपका इस तरह से, ये देखें कितनी स्मूद, बिल्कुल आपको अभी देखिएगा इसका जब फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी, फिर देखिएगा। ठीक है जी, अच्छे से हमने इसको किया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इसका,
बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हिस्सा हमने लेना है मैदा, यानी कि तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने ले लिया मैदा, राइट। उसके साथ हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे, वो इसका आधा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, राइट। और उसका आधा जो है, अगर आपको क्रंची फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसको इस तरह मिक्स करना है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि अंदर फीका ना रहे थोड़ा सा फ्लेवर, तो हम इसके अंदर सीजनिंग ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है जी। यह आपने किया, अब आपने क्या करना है, ये जो ड्रम स्टिक आपने बनाई है बेसिकली, इसको आप लेंगे, इसके अंदर कोट करेंगे पहले, ठीक है, अच्छी तरीके से ये कोटिंग हो रही है, ताकि क्योंकि देखिए इसके अंदर हमने चीज़ फिल किया है ना, तो ऐसा नहीं हो कि जो हमने चीज़ इसके अंदर डाला है वो बाहर आ जाए निकल कर, ठीक है जी। आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है। अब आपने करनी है, एक बड़ी अच्छी सी आपको ट्रिक दूँ, देखिए हमारा एग जो है वो क्या होता है, जब हम बोल में निकालते हैं तो हमें कोटिंग में बहुत इशू होता है, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है, टिप है आप लोगों के लिए कि ग्लास यूज़ कीजिए, और ग्लास में आप इसको ऐसे डिप करेंगे, ये देखें ना आपके हाथ ख़राब हुए ना कुछ, और ये बड़े मज़े से इसकी कोटिंग हो गई। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हमारे पास है कॉर्नफ्लेक्स, ये आपको बहुत अच्छा सा जो है ना फ्लेवर देंगे, कॉर्नफ्लेक्स क्रंची सा फ्लेवर। आपने अंडर एंड ओवर इसको अच्छे तरीके से, जब तक हम चूल्हा भी गर्म कर लेते हैं। कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम एनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एनी, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कैसे हैं फैसल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये किचन के लिए कॉल है जी। जी जी, मुझे शेफ से एक सवाल पूछना था जी, प्लीज। जी जी, आप हमें प्लीज बता सकती हैं कि रमजानों में, आपको पता है आजकल गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें आप कुछ ऐसी रेसिपीज बताएं जो हम पहले से क्रिएट करके रख सकें, ठीक है, और कुछ फ्रोजन आइटम्स भी ऐसे बताएं जो हम पहले से बना कर रख सकें, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल ठीक है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अच्छा ठीक है, आप प्लीज हमें ये बता सकती हैं? श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। देखिए एक तो ये कि डेली बेसिस पे आप हमारा सेगमेंट देखा कीजिए, उसमें हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको ऐसी रेसिपीज दें जो आप इजीली मैनेज कर सकें। अब छोटी सी टिप मैं आपको दे दूँ, साथ साथ मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। टिप मैं आपको ये दूंगी जनाब कि आप ये करेंगी कि सुबह, आपको पता है शहरी में हमारे पास होती है गैस ना, अगर आप उस टाइम जाग सकती हैं तो अपना जो बॉयलिंग का काम है, कुकिंग का काम है, ऐसा हाफ डन, जैसे ये चिकन जो थी वो मैंने शहरी में बॉयल कर ली थी, आलू मैंने शहरी में बॉयल कर लिए थे, चूल्हे वाला काम सारा आप पहले करके रखें, फिर आप बेशक अगर आपको सोना है थोड़ी देर सो जाएँ, और दोपहर में आपकी दोबारा से गैस आती है ना, तो उसका जो स्पैन है, टाइम स्पैन, उसमें आप ये सारी मिक्सिंग और ये सारी चीज़ें करके, जैसे आपने ये बना ली ड्रम स्टिक्स, ये बना के आपने रेडी कर ली, इसको फ्रीज़ कर दिया, और उसके बाद जब आपके पास गैस आती है एन अफ्तार के टाइम, तो आप इसको फ्राई कर सकती हैं। और इवन जो भी चीज़ बना रही हैं, एक टिप मैं आपको देती हूँ, जो रेसिपी भी आप बना रही हैं ना, आपकी एक दफ़ा में, लेट सपोज अगर आपको 12 स्टिक्स चाहिए तो आप कोशिश करें एक दफ़ा में 12 बना लें, और वो एक और पैकेट बना के फ्रीज़ कर दें, और फिर आफ्टर अ वीक आप वही पैकेट निकालें और आप उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, तो सेम चीज़ आपको मिल जाएगी लेकिन गैप के साथ, तो फैमिली भी इंजॉय करेगी। बाकी ये कि हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे रेसिपी। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑलराइट जी, अच्छा साहब, आप हकीम साहब, आप बनाते हैं कुछ खाना पीना? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सबरोजों का बता रही है ना, ये मेरे घर पे इस्तेमाल हुआ है, खाया है। अच्छा, बहुत अच्छा जायका है, और इनका सीख कबाब और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि जायका भी अच्छा है और मज़ा आता है खाते हुए। क्या बात है, नो डाउट, बहुत अच्छी होती है इनकी रेसिपीज़ ना, और इवन बिल्कुल इनकी जो चिकन कचौरी है, आपने वो ट्राई किया शाह साहब? बिल्कुल की है, बहुत अच्छी, इतनी जबरदस्त है वो तो, बिल्कुल, और है भी बड़ी अच्छी। अच्छा, वो चिकन कचौरी जो है वो मेरी बेटी की चॉइस है। अच्छा, तो मैं इनका सीख कबाब का शौकीन था। ओके ओके ओके, उसकी एक बात मुझे ये अच्छी लगती है कि देखिए अगर हम रेडीमेड लेते हैं ना चिकन कचौरी, तो उसमें ये होता है साइज बहुत बड़ा होता है उसका, फिर ये होता है कि एट अ टाइम आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, इनका साइज जो है ना कचौरी का वो बहुत अच्छा है। एनीवेज जी, हमारे यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, ठीक है जी, अब हम, आप लोग ब्रेक पे जाइए, ये देखिए बिल्कुल रेडी है, आप लोग ब्रेक से आएंगे ये आपको रेडी मिलेगा, मैं इसको फ्राइंग पे डाल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद सोहबत इल्म में हम इस वक्त शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक कॉलर हैं गालिबन आपसे बात करना चाह रहे हैं वो। जी अस्सलाम वालेकुम,
जी इनकी आवाज खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम। कोई रेसिपी भी बनानी है, परम पकौड़े बनानी है बचपन से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया कौन जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपका 2 करोड़ का इनाम निकला है जी? भाई जी आपने फोन किया ना, आज का मेन्यू क्या है? हेलो जी, मेरा नाम पूछ रहे हैं जी? जी मेरा नाम फैसल कुरैशी है जी। फैसल कुरैशी जी, बात क्या है ना उधर? मैं करा रहा हूँ, किससे कराऊँ बताएं? आज का मेन्यू क्या है? मेन्यू आज की, आज के मेन्यू में दही बल्ले हैं। दही बल्ले जी? क्या चाह रहे हैं फैसल भाई आप? ये दही बल्ले हैं, दही बल्ले हैं, बात कराएं ना हर ग्राम में। अरे किससे कराऊं हजरत, बात ये बता दे मुझे। वो बाजी से। बाजी से? बाजी आप बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे लगता है कोई प्रैंक कॉल थी। नहीं नहीं, प्रैंक कॉल नहीं थी, असल में वो होता ही है, इस वक्त ना समझ आनी बंद हो जाती है। गुड वन। खुद ही कॉल मिला के मुझसे कह रहे हैं आप ही कौन बात कर रहा है। अच्छा जी, हम इसको रेसिपी को भी वाइंड अप कर देते हैं। फ्राइंग तो आपके सामने हो गई थी, यहाँ पे मैंने जो है ये एल्युमिनियम फॉइल ले ली है, और फॉइल लेने के बाद इसको मैंने इस तरीके से रैप किया यहाँ पर, और रैप करने के बाद यहाँ से अच्छे से इसको टाइटली रैप कर दीजिएगा। एंड देन अच्छा सा शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ से आपने सीजर से ऐसे कटिंग करनी है, ताकि एक आपका अच्छा सा प्रेजेंटेबल सा लुक आ जाए आपकी डिश का। एंड वी आर डन विद इट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मज़े मज़े के खाने आप बनाती रहें, और हम आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग अगर कोई मज़े मज़े के खाने बनाते हैं हमारे फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप करके हमें बताइए कि आपके घर में क्या मुख्तलिफ बनता है। हमारे उलमाए कराम यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हज़रत आपको भी खुश आमदेद कहते हैं, सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब मौजूद हैं, आपको भी हज़रत खुश आमदेद कहते हैं, और डॉक्टर जावेद हैदर हाशमी साहब, जवाद हैदर हाशमी साहब मौजूद हैं, आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। आज चूंकि हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ रिवायत के हवाले से, जो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल के आज कहा जाता है, मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुई उसमें ख़ास तौर से आज के दिन के हवाले से, तो बीबी फातिमा के हवाले से हम चाहते हैं कि थोड़ी सी आज की जो गुफ्तगू है वो शुरू की जाए। और कॉल भी है हमारे पास। अच्छा, कमाल साहब की कॉल भी आई थी, उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा था हज़रत, उस पर मैं मुख्तलिफ आप लोगों से जवाब ले लूँ। वो कह रहे थे कि मैं चूँकि लंबा ट्रैवल करता हूँ, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है वज़ू करने में, तो मैंने मोज़े भी पहने होते हैं, तो मैं वो अपना मोज़े पहने हुए वो कर सकते हैं, अपना मसा कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आम नॉर्मल हम सॉक्स वगैरह पहनते हैं उन पर तो मसा नहीं होगा। अच्छा, इससे मुराद वो जो मसा अल खुफैन या मोज़ों पर मसे का जो मसला है, वो तो वो मोटे मोज़े हैं, या तो चमड़े के हों, या अगर ऊपर से वो कपड़े के हैं तो अंदर से कोई अस्तर ऐसा लगा हुआ हो कि पानी हवा वगैरह अंदर ना जा सके, तो टखने तक अगर ऐसे मोज़े ढके हुए हों तो उस पर मसा होता है। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ जो सॉक्स पहने जाते हैं इन पर तो मसा नहीं होता। मसा नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ फोर्सेस में जो लोग मुस्तकिल बड़े हैवी शूज़ पहने हुए होते हैं, तो अगर बिलफर्ज़ वो किसी ऐसे महाज पर हैं और वो अपने जूते उतारते भी नहीं हैं और वो ज़रा कवर्ड होते हैं, अगर वो पाक हैं तो उन पर मसा हो सकता है। उन पर मसा हो सकता है, बिल्कुल। हज़रत आप भी इससे, इसमें थोड़ा सा फ़िक़्ही इख्तलाफ है जी, मैं इसीलिए मैंने कहा ताबीर में हुफैन और जुर्राब दोनों के हवाले से, तो ज़्यादा बेहतर आला अहवत तो यही है, लेकिन रियायत के एतबार से जो ऐसे मोज़े ना हों जिससे पैर झलक रहा हो, मोटे हों, ऊनी हों, उन पर मसा किया जा सकता है। अच्छा, जवाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आमतौर पर सवाल के हवाले से जो आपने इशारा किया ना कि
रास्ते में चलते हुए ये मसले उनके लिए पेश आ जाते हैं। आम इस तरह के हालात में जो है वो मौज़ू के ऊपर या जूते के ऊपर जो है मसा नहीं होता, वो ऐसी सिचुएशन अगर हो कि जहाँ पर जंग है या आप बिल्कुल न उतार सकते हो, जैसे सियाचिन वगैरह के अंदर जो पाक फ़ौज के जवान वहाँ पर हैं तो उनके हवाले से ना कि वो उतार ही नहीं सकते कई कई महीने इसी तरह पहन, तो ऐसी हालत में इसकी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन आम हालात में नहीं कि आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हो लाहौर और रास्ते में आप जो है कहें कि हम जूते के ऊपर ही मसा कर लें, मोज़े के ऊपर ही मसा कर लें। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हज़रत अली से मंसूब है एक चीज़ कि आप सफ़र पे हैं तो तीन दिन आप मसा करके उस चीज़ को, ऐसा कुछ है चला सकते हैं? ये रिवायत देखनी पड़ेगी जी, रिवायत देखनी पड़ेगी, रिवायत अभी वो नहीं है, ये रिवायत मालूम करनी पड़ेगी। इस तरह हो सकता है तीन दिन और तीन रात और मुकीम के लिए एक दिन और एक रात, ये तो अहादीस में मौजूद है। अहादीस में मौजूद है। आप भी फिका अनफी का जो मौकिफ है डॉक्टर साहब ने पेश कर दिया है, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आमतौर पर ऐसा होता है कि ये मौज़ों का इस्तेमाल जो है गर्मी में नहीं होता, सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर जो फुकाहा ने लिखा है वो यही है कि गर्मी में इस तरह के मौज़ों का इस्तेमाल, जो डॉक्टर साहब ने कहा इस तरह के मौज़ों का इस्तेमाल, उसी पर मसा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि एक तो सर्दी अगर आपको, एक ये कि अगर आपको सर्दी का एहतमाल है एक ये, और दूसरा ये कि अगर आप देखते हैं कि बीमारी बढ़ने का खदशा है पाँव धोने से, तो फिर वो आम सूरत हाल में भी मसा कर सकता है, लेकिन उस शर्त के साथ जो डॉक्टर साहब ने बयान की। और अगर बहुत ज़्यादा अगर मसाला है तो तयम्मुम की भी इजाज़त है। एक यहाँ पर मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मुसाफिर जो है या मुकीम जो है वो मसा करे, लेकिन मसा करने से पहले इन शरायत के साथ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अहले हदीस के एतबार से जो बात बताई है वो उनके अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन इन शरायत के साथ एक शर्त ये भी है कि जो मोज़े पहनेगा उस वक्त जब वो मोज़े पहन रहा है उसको पहनने से पहले उसका वुजू होना ज़रूरी है। जी ये बिल्कुल बेवजू जो है, आपके यहाँ भी ऐसे बेवजू ना हो, ऐसा ना हो कि मोज़े पहन लिए बाद में वुजू कर रहा है और कह रहा है कि अब मैं तीन दिन तक उस पर मसा करता रहूँगा, नहीं, जब उसने मोज़े पहने उस मोज़ों को पहनने से पहले उसके पाँव का उसी तरह वुजू से धुला होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद मुसाफिर तीन दिन तक उसके ऊपर मसा कर सकता है। और ये मसा जो है ये पाँव के नीचे नहीं होगा, एक शर्त ये भी है कि ये पाँव के, हाँ जी, ऊपर जो ये पाँव की जो छतरी होती है जी जी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसके ऊपर ये मसा होगा। और सिर्फ ये मसे से मुराद ये नहीं कि, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो मसा इतना ज़्यादा करते हैं कि वो धोने की तारीफ़ के अंदर ले जाते हैं, जिस तरीके से आप सर का मसा करते हैं कि पानी लेकर एक हाथ से दूसरे हाथ पर बहाकर और बस वो हल्की सी आप तरी जो है सर पर रख देते हैं, इसी तरीके से मोज़े पर ये तीन उंगली से बस आप ऊपर से उसको घुमा देंगे, आपके मोज़े का मसा हो जाएगा और वो पाँव के धुलने के कायम मकाम होगा। इसमें एक और बात ये कि अगर मोज़ा उतार दिया तो फिर पाँव धोना पड़ेगा। हाँ ये अच्छा। एक जी हाँ एक सूरत यानी ऐसा नहीं है कि अब एक दफ़ा धो लिया तो उसके बाद बार बार मोज़ा उतारे पहने और फिर उस पर मसा उतारे, अगर मोज़ा उतार दिया गया तो फिर मसा नहीं होगा, फिर पाँव को धोया जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको चारों तरफ से एक प्रॉपर आंसर मिल गया है और तो कोई मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन रही नहीं होगी अब तो आज जी आज बिल्कुल आज के जो मौजू हमारा आज की जो गुफ्तगू बीबी फातिमा तुज़्ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, और आज हम जिक्र भी यही रहा थोड़ी देर पहले जब हम उम्मे अबिया की बात कर रहे थे कि क्यों कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उम्मे अबिया कहा, तो बहुत सारी ऐसी हमें बातें ऐसी हमें अहादीस मिलती हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो एक खुशी होती है। कहते हैं कि अल्लाह ने भी कह दिया कि हमने तुम्हारे घर में कौसर जो है उनको भेजा है, तो आयात उतारी गई आयात और इतना कुछ है आपके बारे में कहने के लिए कि मेरे ख़्याल से मैं तो अगर बात करूं तो शायद बहुत ही कम होगी, हमारे उलमाए कराम उस पर ज़्यादा रोशनी डालें, उन मौजूआत को ज़्यादा बेहतर लाया जाए। और देखिए ये जब हम अपने बुज़ुर्गान दीन के हवाले से या अपने अंबियाए कराम के हवाले से जो भी गुफ्तगू करते हैं, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उसको सिर्फ सुने नहीं, उसको कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से उन रिश्तों को, उन चीज़ों को हम अपनी आम जिंदगी में उनसे इंस्पिरेशन लेके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दौर में मैं देखता हूँ कि हमने बड़ी अजीब अजीब इंस्पिरेशन उठाई होती हैं,
एक पूरी ज़ाब्ता हयात हम लोगों के सामने जब मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि एक मुसलमान होते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी गई हैं हमारे लिए, तो उस पर थोड़ी सी बात की जाती है। तो जवाहर साहब, डॉक्टर साहब से हम बात शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी हज़रत। जी हज़रत, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो इसके कई पहलू हो सकते हैं। क़ुरान करीम की आयात करीमा भी आपकी शान में नाजिल हुई हैं, और मुतअद्दिद आयात करीमा हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी शान में नाजिल फरमाई हैं, और इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं आपकी शान में, आपके मकाम और मर्तबे को बयान करने के लिए, और इसी तरह अइम्मे अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन और इरशादात भी हैं कि जो जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं। यही जिस तरह आपने सूरह कौसर की जानिब इशारा किया कि हज़रत बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब मक्के मुकर्रमा में थी, तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब के यहाँ जो बेटे थे उनका जब इंतकाल हुआ, हज़रत कासिम का, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह का जब पेदर पे इंतकाल हुआ, तो मक्के के कुरैश के लोगों ने जो है नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू कर दिए, अबतर होने के ताने देना शुरू कर दिए कि आप लावलत हैं। बेटियों को तो वो इंसान ही नहीं समझते थे, बेटियों को तो ज़िंदा दरगोर कर लेते थे, सिर्फ उनके नज़दीक बेटा औलाद का दर्जा रखता था। जब बेटे नहीं रहे तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हुजूर अकरम की अब नस्ल ख़त्म हो जाएगी, और जब नस्ल ख़त्म होगी तो आपका ज़िक्र ख़त्म होगा, और जब आपका ज़िक्र ख़त्म होगा तो जो दीन आज आप पेश कर रहे हैं वो दीन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद यानी हमारा दीन बाकी रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि उसी मौके पर तकरीबन ये सूरह मुबारका जो है मक्का मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुआ, और इसके अंदर फरमाया कि ए हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमाया, बस आप नमाज पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क़ुरबानी दीजिए। और आखिरी जो आयत करीमा है ये असल में जनाब सईद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये जो आपको अबतर होने का ताना दे रहे हैं, आप अबतर नहीं होंगे, आपके दुश्मन अबतर होंगे। यहाँ पर कौसर का माना मुफसरीन ने खैर कसीर लिया है, लेकिन मिसदाक के तौर पर अगर हम बात करना चाहें उस ज़माने के हालात के तनाजुर में, तो वो जनाब सईद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गरामी होगी, चूँकि आपके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को भी बाकी रखा, अपनी बेटी के ज़रिए नस्ल को बाकी रखा, और इसी तरह आपके ज़रिए और आपके औलाद के ज़रिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म गरामी को भी ज़िंदा रखा, और आपके ज़रिए और आपकी औलाद के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को भी बाकी रखा, और जो ताना दे रहे थे उनका खात्मा हुआ। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो जनाब सईद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जो रसूल अकरम की बेटी थीं और जो आपको ताना देने वाले थे, उनके कई कई बेटे थे, आज उनका कोई नामो निशान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको सादात मिल जाएंगे। तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने जनाब सईद कौनैन सलामुल्लाह अलैहा को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दीन जो है वो आपसे आपकी औलाद के ज़रिए से उसका तहफ़्फ़ुज़ हो और उसको फ़रोग मिले, और इसी तरह आपके ज़रिए ये नस्ल भी आगे बढ़ती रहे, और इसी तरह और भी बहुत सारी आयत करीमा की जिसके हवाले से इंशाल्लाह बाद में भी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जज़ाकल्ला। मैं आज सुबह भी डॉक्टर साहब जब बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि एक तो सबसे बड़ा मसला ही हो गया हम लोगों का, जिस कल्चर में हम लोग आके फंस गए ना, तो यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं। सो बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो हमारे मज़हब ने हमें दी, बहुत सारे पहलू हमारे सामने रख दिए, बहुत आसानियाँ की गई हम लोगों के लिए, लेकिन ये कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है जी, ये ख़ास तौर से जब हम ये नस्ल की बात करते हैं या इस हवाले से जब भी बात होती है, तो वो आज भी बच्चियों को ताने दिए जाते हैं इस हवाले से कि अच्छा बेटा नहीं होगा तो नस्ल कैसे आगे चलेगी, अच्छा भाई तुम्हारे अंदर ये नुक्स है, लड़कियों को ये ताने, तो ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। आप लोग तो खैर सुनते रहते होंगे, हैंडल करते होंगे इन तमाम चीज़ों को, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसको रेलेवेंट करके इस पर बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा ताहिरा आफीफ़ा, सैयदा कायनात, खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप ही की शान में आयत तथहीर नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत को हर किस्म की ऐसी शय से पाक फरमा दिया है
वो पहले ही पाक हैं, उनको मज़ीद पाक फरमा दिया है कि जो उनके शायान शान ना हो। आप वज़ू पर वज़ू करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तहारत में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। सुभान अल्लाह। इन्हीं की शान में आयत मुबाहला नाजिल हुई, कुल फ़तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। और जब असाकिफ़ा का एक ग्रोह मुबाहले के लिए इरादा करने लगा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम हम ऐसे मुबारक चेहरे देखते हैं कि अगर आज इन्होंने हमारे लिए दुआ की तो रुए ज़मीन पर किसी का नामो निशान हम में से बाकी नहीं रहेगा, और अगर ये दुआ करेंगे तो आज अल्लाह ताला पहाड़ों को भी उनके रास्ते से हटा देगा। तो सैयदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन नफूस क़ुदसिया की सरदार हैं। आप ही के बारे में आयत मवद्दत नाजिल हो रही है। हज़रत मैं माज़रत चाहूंगा, ये फिक्स है, ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शाह साहब आपने कहा था इस कलाम के लिए वो शेर आ गया है, शेर आ गया है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। सुभान अल्लाह, खुश है ये सुन, खुश है ये। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर उमैर, और बात बीच में रह गई। हज़रत माज़रत, ये ब्रेक्स का जो सिलसिला है आयत तथीर की बात हो रही थी उस हवाले से। आयत तथीर के साथ अल्लाह ताला ने आयत मुबाहला भी इन्हीं अहले बैत के बारे में, और बिलखसूस जब वनिसा अना वनिसा अकुम की बारी आई तो दीगर शहजादियों का क्योंकि विसाल हो चुका था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को अपने साथ तशरीफ़ ले गए। फिर आप देखिए कि आयत मवद्दत अहले बैत की मोहब्बत को ईमान करार दिया गया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, और वसलामुन अला इल यासीन, तो आले यासीन यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले मुबारक पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में सलाम भेजा है। तो आपने जहाँ से बात को उठाया था कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब चलती थी तो लगता था गोया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, और जब आप मुस्कराती थीं तो लगता था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा रहे हैं। और कितना अदब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपनी यानी बेटी का करके दिखाया, तालीम दी है कि जब आप तशरीफ़ लाती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठाते हैं। सफ़र का आगाज़ आपके घर से होता है और सफ़र का अख्तिताम भी आप ही के घर मुबारक से होता है, और आज भी आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे मुबारक से पहले जो सब्ज़ रंग की जालियाँ देखते हैं तो ये दरअसल हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का घर है, और यहाँ दरमियान में खिड़की खुली हुई थी,
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی حسنین کریمین کی اپنی صاحبزادی کی یاد ستاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہو جاتے تھے. تو گویا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا بس یہ فرما دینا کہ فاطمہ بدعت منی, کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں, جس نے انہیں ناراض کیا اس نے فاطمہ تو زہرا کو ناراض کیا, اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے آپ کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی. تو یہ محبتوں کے جو سلسلے ہیں اہل بیت کے ساتھ, اسے اسی طرح جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی تقویت عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گلانی صاحب, ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ساری بات ہو جائے, پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن. شہریار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج بھی ٹریفک تھا؟ الحمد للہ آج تو کوئی ڈالا پیچھے نہیں آیا. آج میں ڈالے والوں کے پیچھے تھا. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم, آج بھی اس کائنات میں جس ہستی کو سب سے زیادہ پیار سے, محبت سے, انسیت سے اور ایک لگاؤ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے روزہ اطہر سے. آپ دیکھیے نا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے, اور اس کا جو باب جبریل ہے بالکل اس کی سیدھ میں میری اماں پاک سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اقدس ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنے مراقبات کے اندر اس بات کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جس ہستی کو پوری کائنات میں, پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک ہستی ہے, اور آپ ہی کی وہ ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا وبارک وسلم جن کے مبارک اور متبرک اور مقدس دروازے پر کھڑے ہو کر کامل 272 دن تک, ایک محتاط روایت کے مطابق کامل 272 دن تک یہ کہتے رہے, یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علماء جانتے ہیں کہ آیت کریمہ بھی اہل بیت آ گئے, لیکن پہلے اہل بیت کا خود نبی پاک ذکر کر کے فرما یا اہل البیت, کہ اس کو تخصیص کہا جاتا ہے, اس کو جو ہے یوں سمجھیے کہ خاص کرنا کہا جاتا ہے کہ اے سیدہ اور اے سیدہ کے گھر والوں, تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ جل مجدہ الکریم نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نور اعلیٰ نور بنا دیا ہے. یہاں پر وہ ذکر کرنا چاہوں گا سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کے اس شعر کا, کہ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. اور سیدہ پاک کے بارے میں کیا فرمایا کہ فرمایا کہ نور و بنتے نور و زوجے نور و امے نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. اور یہاں تک کہ ایک شاعر نے تو بڑی پیاری بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں, حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں, قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کو اگر دیکھیے تھوڑا سا اس طرف سے ہٹ جائیے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کیجئے تو یہ باپ بیٹی کی وہ لازوال محبت ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ جائیں گے. اور سیدہ پاک اور نبی پاک کی جو محبت کا جو معاملہ ہے اس کا ایک باپ بھی پورا نہیں ہوگا. بے شک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی سے جو محبت کی ہے اور سیدہ پاک نے جو نبی پاک سے محبت کی ہے, اس میں ایک بات ایڈ کر کے میں آگے چلوں گا کہ آپ دیکھیے کہ سیدہ پاک ہی کا نام فاطمہ نہیں ہے, بلکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اما جان کا نام بھی فاطمہ ہے, اور مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی اما جان کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت اسد. سیدہ نبی پاک سے بچپن ہی سے, کم عمری سے ہی اتنی محبت کرتی ہے کہ ہمارے مصادر کے اندر یہ لکھا ہے
कि आप दरवाजे पर खड़े होकर वक्त का इंतजार करती थी, गोया के अगरचे मंजर ये नहीं होता था, गोया के आप मुसलसल घड़ी देखती रहती थी कि कब बाबा जान दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे और कब मैं अपने बाबा जान के जो है वो सीने से चिमट जाऊंगी और कब बाबा जान मुझे दाखिल होकर कहेंगे कि अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। तो इस प्यार और मोहब्बत को देख कर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि फातिमा उम्म अबीहा, फातिमा तुम में मुझे अपनी माँ नजर आती है, फातिमा बिनते असद नजर आती है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा भी ये फरमाया करती थी कि फातिमा तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम से जो मोहब्बत की है और जो उनसियत की है नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम से, मोहब्बत का गोया कि सैयदा पाक ने हक अदा कर दिया। सुभानअल्लाह। अब एक पहलू में और जिक्र करके फिर मैं, चूंकि दीगर उलमाए किराम भी बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम ने सैयदा पाक की जो तरबियत की है वो तो दीगर बुनियादों पर उलमा से हम सुनते ही रहते हैं। मैंने एक चीज़ जो है अभी ताज़ा पढ़ी और जिनको समझिए कि पढ़ी तो पहले भी थी लेकिन अभी गुज़िश्ता दिनों ताज़ा हुई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सैयदा के दरवाजे के पास से, आपके घर के पास से जब भी गुजरते गुजरते हुए आप आसमान की तरफ देखते हैं और दोनों हाथों को यूँ उठाते हैं और उठा कर ये अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को सब्र दे, अल्लाह ए अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को सब्र देना फैसल भाई, मैं आज उन बच्चियों से, उन माओ से और उन बापों से, वालिदों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस कायनात के सरदार है नबी पाक अलैहिस्सलाम और इस कायनात के नहीं उस कायनात के भी सरदार है, मालिक कौनैन है, गो पाँच कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, नबी करीम अलैहिस्सलाम ये क्यों इरशाद फरमा रहे कि मेरी बेटी को सब्र देना, मेरी बेटी को हिम्मत देना? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जानते हैं कि मेरी बेटी पर मेरे चचाजाद भाई के क्या हुकूक हैं और मेरे चचाजाद भाई के जो है वो क्या उनके साथ जो मामलात हैं वो सैयदा पर लाजिम है। तो ये एक पहलू भी मैं समझता हूँ कि हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि सैयदा पाक को चक्की चलाते हुए देखकर, हसनैन करीमैन को रोते हुए देखकर, घर के काम काज करते हुए देखकर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली को नहीं कहते कि अली तुम क्या करते हो, मेरी बेटी इतनी मुश्किल में नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बात करते हैं कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को सब्र देना। और फिर आखिरी जुमला यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जब भी सैयदा पाक के पास जाते हैं, जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके मुबारक सर पर अपना दस्ते शफकत रखते हैं और दस्ते शफकत रख कर कहते हैं कि बेटा सब्र करो, ये दुनिया हमारी नहीं है, अल्लाह ने हमारे लिए जो घर तैयार कर रखा है वो आखिरत का घर है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह की तो इतनी सारी हमें रिवायतें भी मिलती हैं और चीज़ें भी मिलती हैं, जाहिर सी बात है जो किरदार जिस तरह से बुलंद हैं इन सब के, हम जब भी उस पर बात करने जाते हैं तो आप यकीन करें कि आज फिर जब हम मुआवजना करने बैठते हैं तो हमारी तो समझ भी नहीं आता कि हम किन चीज़ों से हम मुआवजना करें। ये बात हकीकत है कि हम आज के ज़माने में बहुत ही एक नफसा नफसी में लग गए हैं, एक अजीब भाग दौड़ में लग गए हैं। मिसालें तो इतनी हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, आप यकीन करें मैं भी कभी कभी जब कुछ चीज़ें नज़र से गुज़रती हैं तो शायद चार चार दफ़ा एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है कि यार ये हमारे मज़हब में तो इस तरह से लिखा है, ये हमारे मज़हब में तो इस तरह से लिखा है, आज हम किन चीज़ों में मौजूद हैं। फिर एक जो मिसकंसेप्शन कुछ लोगों का आता है, सॉरी मैं हज़रत डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने कहा मैं ब्रेक से वापस आ गया आपको डिस्टर्ब करूँगा, ये डावरी जो जहेज़ का एक सिलसिला है इस पर जब हम आते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं तो हुजूर पाक ने भी दिया था बीबी फातिमा को। भैया ये अभी मैं ब्रेक से आके ना ये आपको क्लियर करवा देता हूँ बात, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अकीदतों के हर एक वरक पर दुरूद लिखना, सलाम लिखना,
झुका के सर को दुरूद पढ़कर जनाबे जहरा का नाम लिखना, झुका के सर को दुरूद पढ़कर जनाबे जहरा का नाम लिखना। कदम कदम पर ध्यान रखना, कहीं अकीदत न डगमगाए, फिर अपने अशकों की रोशनाई से सैयदा का मकाम लिखना, फिर अपने अशकों की रोशनाई से सैयदा का मकाम लिखना, झुका के सर को दुरूद पढ़कर जनाबे जहरा का नाम लिखना। जज़ाकल्ला। आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब भी बैठे हैं, गुफ्तगु ही नहीं हम कर पा रहे। मैं थोड़ी सी एक बात कर गया था हज़रत, उस हवाले से भी बीच में इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि आज के दौर में लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी हो गया। हम डेढ़ मिनट के बाद भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सॉरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रेक पर जाने से कबल भी माशाल्लाह शाह साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर उमर साहब ने बात की, डॉक्टर जवाद साहब, हाशमी साहब, जवाद साहब ने बात की, और वही बात है कि जितनी बात की जाए वो इतनी अजीम शान शख्सियत हैं बेशक कि उनके सामने कादरुल कलाम शायर भी चुप होना सादत समझते हैं और बस हो जाती है। अगर बात शुरू की जाए उस दौर की जब औरत की कोई इज़्ज़त और वैल्यू नहीं थी, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और आज भी जिस घराने में बेटी पैदा हो तो माँ को कसूरवार ठहराया जाता है, तो एक हिंदू शायर कहता है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। वाह वाह वाह। तो ना सिर्फ ये कि आदमी को आदमी का शर्फ अता किया, बल्कि औरत जो कार मजल्लत में गिरी हुई थी उसे बाम अरूज अता फरमाया। और मैं ये कहता हूँ कि औरत का हर जो वजूद का हर हिस्सा और हर किस्म है वो एहतराम के काबिल है। यानी अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले इनल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत रख दी गई है। अगर बहन और बेटी है तो फरमाया गया कि जिसे अल्लाह ताला ने दो बेटियाँ दीं या दो बहनें दीं और उसने उनकी बेहतरीन खिदमत की, बेहतरीन उनकी निगहदाश्त की और फिर उनको उनके घरों में भेजा, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। कहा तय, ये इससे बड़ी सआदत शायद रूए ज़मीन पर कोई अता नहीं हो सकती थी खुशखबरी की सूरत में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के मकाम को कुरान करीम की ज़बान से अदा फरमाते हैं कि हुन्ना लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन, यानी एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ में वो यकसा हैं और ज़िम्मेदारियों में अलग अलग हैं। फिर अगर हम ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत जिस अंदाज़ में की, और ख़ुद हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने जिस तरह आपके पास दौलत थी और आप उस तरह तजारती काफ़िलों को रवाना किया करती थी, और वो आपने ख़ुद इख्तियारी तौर पर अपनी सारी दौलत हुज़ूर करीम के कदमों में ला के ढेर की जिससे इस्लाम को नशर वशात का मौका मिला, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की इब्तदाई अवाइल उम्र से ही यानी चशम सैर थी, आंखें भरी हुई थीं, उन्हें दुनियावी सरवत की या दौलत की कोई हवस नहीं थी। वो जिस चीज़ की मुतमन्नी थी वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया कि ए फातिमा क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि अल्लाह ने जन्नत की सारी औरतों का तुम्हें सरदार बना दिया है, मलेका और शहजादी बना दिया है। तो यकीनी तौर पर जिनके घराने से और जिनके बाबा के इशारों से लोगों को जन्नत मिला करती हो, जिनके चेहरे को देख कर जो ईमान की हालत में देख लें उन पर जन्नत वाजिब और जहन्नम हराम हो जाती हो, तो यकीनी तौर पर वो जन्नत के लिए राती थी। अब अगर देखने की बात, जिस तरह भी ये बात हो रही थी दौरान ब्रेक भी, आप फरमा रहे थे कि शादी ब्याह के मौके पर बच्चियों को जिस तरह रिजेक्ट किया जाता है और उनमें ऐब निकाले जाते हैं,
और कहीं ये देख कर के घराना कितना बड़ा है, और कहीं ये देख कर के बाप और भाई जॉब कहाँ करते हैं या कारोबार कौन सा करते हैं। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई कि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो कोई वालिद अपनी औलाद को देता है, बेटी को देता है, वो दीन है, अखलाक है, किरदार है, वो माशरत को गुजारने का तरीका है। और अगर कुरान हदीस शरीफ में देखें, फरमाया कि तुनके हुलमार अतुल अरबाइन, किसी भी औरत से चार बातों की वजह से शादी की जाती है, लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, चार चीज़ें देखी जाती हैं, या तो उसका जमाल देखा जाता है जो कि आरजी है ख़त्म हो जाएगा, या उसका माल देखा जाता है जो कि फ़ानी है बिल आखिर ख़त्म हो जाएगा, या उसका हसब और नसब देखा जाता है। और हदीस फरमाती है जिसका अमल उसे पीछे कर दे उसका हसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। वाह। और हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर ने तो खुद हज़रत फ़ातिमा सहारत फरमाया था, यहाँ फ़ज़ाइल की तो बात हो रही है लेकिन असल तो चीज़ अमल है। आपने फरमाया था या फ़ातिमा बिनता मुहम्मदिन, ए मोहम्मद सरकार दो आलम की बेटी फ़ातिमा, ए अमली फ़ैन के ला उगनी अन के मिनल्लाह शैया, ए फ़ातिमा अमल करना और मेरे रस्ते पर चलना, क्योंकि अगर मेरे रस्ते पर नहीं चली तो जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, तो वो जो नसब है ना वो उस वक्त फ़ायदा पहुँचाता है जब अमल जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर अगर बात चलती है तो वो सैयद सादात घरानों के हमारे भाई हमारी बहनें जिन्हें अल्लाह ताला ने नसब के अतबार से ये सआदत अता फरमाई है, वो अमल के अतबार से भी ये हमारे जो सरदारान सादात हैं और हम सब के सरदार हैं उनके नक्शे पाक की पैरवी करें, क्योंकि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। तो अगर देखा जाए आपने फरमाया दीन को तरजीह दो, और अगर तुमने दीन को तरजीह ना दी तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएंगे। तो दीन ये नहीं है कि वो नमाज़ें बहुत पढ़ रहा हो, या दीन ये नहीं है कि सिर्फ वो अपना ज़ाहिर और अपना पैकर उसने दीन के मुताबिक ढाल रखा हो, बल्कि दीन ये है कि ज़ाहिर और बातिन दोनों दीन के मुताबिक हों। और दीन असल में देखा जाए तो वो मैनर्स हैं, आदाब हैं, अखलाक हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई इंसान मजहबी है लेकिन आया वो दीनदार भी है। यानी मजहब दीन इस्लाम का एक पार्ट है। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, जो इस्लाम है वो अल्लाह के नज़दीक एक कोड ऑफ लाइफ है, एक निज़ाम हयात है। तो मजहब उसका एक पार्ट है और गालिब पार्ट है, लेकिन अगर कोई मजहबी तो है लेकिन बाकी जितने माशरती माशी इक्तसादी और सियासी उमूर हैं उनमें वो गैरों की नक़ाली और गैरों का इत्तबा और तत्बो करता है तो वो दीनदार बहरहाल नहीं हो सकता। उसे अपने दीन के हवाले से मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है और उदखुलु फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और हज़रत शहरयार मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब की ज़बान में कि इस्लाम में दाखिल होते हैं और ईमान फिर मुसलमान में दाखिल होता है। वाह वाह वाह। एक कॉलर भी है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नरगिस जी जी अच्छा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी फरमाइए बहन। जी उल्मा से सवाल है मेरा। जी हमारे यहाँ लोग नाम रखते हैं कनीज़े फातिमा या नाम के साथ फातिमी लगाते हैं, ठीक है ना? जबकि सीरत पे तो कोई अमल नहीं करता, तो ये नाम रखना कैसा है? अच्छा सवाल, उसको अगर समअप करते हैं तो इतने बड़े बड़े नाम शख्सियात पे नाम रखा जाता है और सीरत अगर वैसी नहीं हो तो फिर इस हवाले से कि कनीज़े फातिमा नाम रख लिया या इस तरह के नाम, मैं चारों से पूछूंगा मैं। जी नाम अगर कनीज़ फ़ातिमा रखा जाए तो ये अदब का तकाजा यही है, और मुक़द्दस तरीन हस्तियों के नामों पर भी नाम रखा जा सकता है। आप अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक मोहम्मद पर आप देखिए कि आज भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब दुनिया में अगर किसी का नाम मालूम ना हो तो उसे मोहम्मद कहा जाए या मोहम्मद, हाँ। तो मोहम्मद कहकर उसको एड्रेस करते हैं। तो अगर साथ में कोई ऐसी नस्बत लगा ली जाए कि जिससे उनकी ग़ुलामी और अब अदब और एहतराम का इजहार हो तो कोई मज़ायक़े की बात नहीं है। और नाम का इंसान के किरदार और शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है, तो इस उम्मीद के साथ कि किसी का अच्छा नाम होगा तो यकीनन उसके असरात भी, बार बार जब आप उसको कनीज़े फ़ातिमा कहेंगे तो उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला किसी न किसी दिन इस नाम की बरकत से उसे हया ज़रूर अता फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा फिर आगे ये इस्लाम के अंदर, हाँ। अच्छे नाम रखने की वैसे भी ज़्यादा ताकीद है। औलाद के हुकूक़ में से वालदेन के ऊपर जो फ़राइज़ हैं उनमें से एक ये है कि सबसे पहले उस बच्चे का अच्छा नाम रखें। ठीक ठीक है, अच्छा नाम रखें। और अच्छे नाम में मसलन अंबिया कराम के अस्माए ग्रामी हैं,
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسماء گرامی ان کے ناموں پر اگر آپ نام رکھیں گے تو ظاہر ہے ان کا ایک اثر بھی جو ہے اولاد کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے ویسے جن کے نام ان مقدس ہستیوں کے نام پر ہیں تو ان کو اپنے کردار میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی پیروی کر لیں، لیکن اگر نہ ہو تو اس سے ان ہستیوں کی بے ادبی یہاں پر شمار نہیں ہوگی، وہ آدمی خود گناہ گار شمار ہوگا۔ خود لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے، یہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بھی کوئی نام ہے، اگر کوئی نارمل نام بھی ہے تو آپ لوگ ان کو برے القاب سے نہ پکاریں، اسپیشلی نام لے کے، نام بگاڑ کے نہ پکاریں، نام لے کے ان کو برے القاب نہ کہیں کہ یار وہ اس کا نام یہ ہے اور وہ تو ایسا آدمی ہے۔ سو یہ پھر ہمارے حصے میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھیے بنیادی طور ذمہ داری آ جاتی ہے نا ہم جو نام رکھتے ہیں نا، بنیادی طور پر وہ نام رکھنے کا مقصد، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نام کی تاثیر میں۔ بالکل بالکل۔ مثلا میں صرف آپ کو اپنی مثال دے دوں کہ میرے نانا نے میرا نام رکھا تھا علمدار، اور میرے دادا نے جو ہے میرا نام رکھا ذوالفقار۔ تو اچھا، ان دونوں کی جو وہ حیات تھے، میرے ہوش سنبھالنے تک حیات تھے، تو ان دونوں کا جو اپنے ایک اوپینین تھا وہ یہی تھا کہ یار وہ یہ کہتے تھے کہ یہ علمدار ہو، اور وہ دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ مثلِ ذوالفقار ہو۔ واہ واہ واہ۔ یعنی ان کا جو مقصد ہمارے بزرگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے اندر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بچے کے اندر یا اس بچی کے اندر ان کے نام کی تاثیر اور ان کے نام کی روحانیت کا کچھ عکس ضرور کہیں نہ کہیں چھلکتا ہوا نظر آئے۔ یہاں پر ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے کہ اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ یہ کہتی یونیک نام ہو۔ اچھا، وہ یونیک نام کیسا بھی ہو، کہ مثال کے طور پہ ایک اردو میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، انگلش میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، واٹ از یور نیم۔ اب اس کو یونیک، واٹس یور، اس کو ہی اگر آپ نام دے دو۔ اور ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ، جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت اس کو وہ کہتے تھے کہ اب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ واٹس یور نیم، یہ یوں ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ یونیک، اس کو اگر ایسا بھی کوئی یونیک نام ہے تو اس کو وہی قرار دے دیا جائے۔ اللہ کے بندو، اسلام کے ناموں سے زیادہ یونیک نام کیا ہوگا؟ محمد نام سے بڑا یونیک نام کیا ہوگا؟ ابو بکر نام سے بڑا یونیک نام کیا ہوگا؟ عمر نام سے بڑا یونیک نام کیا ہوگا؟ عثمان نام سے بڑا، یا حیدر کرار نام سے بڑا یونیک نام کیا ہوگا؟ کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے غلام حیدر، یا کوئی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے، دیکھیں نا ہمارے یہاں میرے بچے کا نام جو ہے مرتجز ہے۔ مرتجز جو ہے وہ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے مبارک گھوڑے کا نام ہے۔ تو ہم نے جس نیت سے نام رکھے وہ نیت یہی تھی کہ اسے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم سے جو ہے وہ نسبت حاصل ہو جائے۔ تو نام رکھنے میں یہ احتیاط کی جائے کہ اگر آپ نے یونیک نام رکھنا ہے تو ایسا نام رکھیں کہ جو بانیان اسلام کے نام ہے اور محسنین اسلام کے نام ہے۔ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نام بگاڑنا، تو اگر کسی کا نام غیر مسلم نام بھی ہے، جیسے جان ہے اور ڈچ ہے وغیرہ وغیرہ، ان ناموں کو بھی بگاڑنے کا اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جو اس کا نام ہے اس کو اسی نام سے پکارنا ہے انشاءاللہ۔ بھائی اچھا، چھوٹا سا بریک، بریک سے واپس آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے خیال سے میری بہن کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے بڑے محترم نام ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اس کے عوامل بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس میں کبھی شاید کہیں زندگی میں کوئی نام اثر کر جائے تو کر جائے۔ میری حضرت داؤد صاحب سے بات نہیں ہو پائی جو ہم آج کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایسے موضوعات پہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ سب اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال لیا کریں اور پھر اس پہ ذرا سی ہم روشنی لے آتے ہیں۔ جی حضرت، معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ سیدہ کائنات کی کیا شان ہے، اس پر ہم کیا عرض کریں گے، ہمارا بس نام لینا ہمارے لیے مغفرت کا ضامن بن جاتا ہے۔ دو شخصیات تاریخ کی ایسی ہیں کہ جبکہ اہل عرب کے اندر تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیاں کرنے کا بہت عام رواج تھا، کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن
सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक ज़ाहिरी तौर पर हयात रहीं, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और बिल्कुल इसी तरह जब तक सैयदाए कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रहीं, तो एक सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा रसूल करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया मुझे फ़लाने कबीले के सरदार ने इजाज़त मांगी कि या रसूलल्लाह क्या मैं अपनी बेटी का निकाह अली से कर दूँ, तो मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है, दोबारा मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है, सहबारा मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है, एक दफ़ा नहीं तीन दफ़ा मेरे नबी ने मना फरमाया और फरमाया फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फ़ातिमा को तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, फ़ातिमा खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ, और फ़ातिमा की खुशी में अल्लाह की खुशी शामिल है। तो मैं आजकल की मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उसको इस बात को बहुत ख्याल करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक दूसरा एंगल लाना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एक मर्दों को ये सो कॉल्ड अपना जो में फासिद है कि जी हमें दूसरा निकाह करने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है बीवियों से, तो फिर ये दिल दुखना किसको कहेंगे आप? और जी काबतुल्ला शरीफ गिरा देना किसी का दिल तोड़ने से ज़्यादा बड़ा बन है, काबतुल्ला शरीफ को गिरा देना ये कम है बनिस्बत इसके कि किसी का दिल तोड़ देना, इससे वो बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे यहाँ सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हयात तैयबा ना, उसको स्टडी नहीं किया जाता। ले दे के जो एक दो सबक थे हमारी क्लास 4-5 में उर्दू में दीनिया इस्लामियात में, मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ, वो निकाल दिए गए हैं, अब नहीं हैं वो असबाक। हम जब हमारे निसाब में से ये जब यूसुफ बिन ताशफीन मैंने पढ़ा हुआ है, वो तारिक बिन ज़ियाद मैंने पढ़ा हुआ है, हैं अच्छा ये हमारे निसाब के अंदर थे। अब ये इनको बच्चे जानते भी नहीं है कौन है, तारिक बिन ज़ियाद कौन थे, ये जिब्राल्टर किसके नाम पर मतलब कि ये हुआ। इसी तरह खालिद बिन वलीद का चैप्टर था, आज नहीं है। ये बड़ी प्लानिंग के साथ, मैंने शायद कल भी अर्ज़ किया था कि हमें ऑर्गेनिक से बुनियाद से रूट से दूर कर दिया। हमें कहा देसी क्यों नहीं खाना, मर जाओगे, तो सिंथेटिक दे दिया, वनस्पति घी दे दिया, हमें कुकिंग ऑयल दे दिया, औरतों को निकम्मा कर दिया, कार बैठी रहो कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पहले घी जम जाता था तो औरतें उठती थी मियाँ के लिए गर्म करती थी, अब वो मोटियाँ संडियाँ हो गई हैं, फिर कहती हैं जी हमने जिम जाना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमें बुनियाद से हटा दिया गया है, हमें बुनियाद से हमारी रूट हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की आल है, असहाब है, उनकी ख़ानदान है, उनको स्टडी करना ज़रूरी है। अच्छा जी कौन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ये नर्सिंग डिपार्टमेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सॉरी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वॉज द फाउंडर ऑफ द नर्सिंग सिस्टम, क्यों नहीं पता हमारी बच्ची को? हु वॉज द वेरी फर्स्ट चैरिटी, जिसने सबसे पहला चैरिटी कैंप किसने लगाया इस्लाम में? अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेशक उन्होंने कहा जब रसूल रो रहे हैं रसूल अलैहि वसल्लम, या रसूल क्या हुआ? फरमाया वो मेरे गरीब जो सहाबी हैं उन पर जुल्म व सितम हो रहा है, वो इतने पैसे मांगते उसको फ्री करने के। फरमाया या रसूल पर्ची बना बना के भेजें, मैंने बिठा दिया अपना कैशियर, पर्चियां भेजते रहे, वो उनको पैसे लेके जाते रहे, आजाद होते रहे। इतना बड़ा काम किया सरकार ने, फरमाया जो खदीजा ने किया इस्लाम के ऊपर एहसान, वो किसी ने नहीं किया। जब अम्मी आयशा ने एक दिन पूछ लिया था ना, आप क्या खदीजा की सहेलियों के लिए भेज रहे हैं, फरमाया रुको आयशा, तुम्हें पता नहीं है कि जो खदीजा ने किया है हमारे साथ जो इस्लाम के साथ, ये पढ़ने की बातें हैं, ये सीखने की बातें हैं। आज हम नाम आयशा नहीं रखते, आज हम वाला फातिमा नहीं रखते, आज हम नाम खदीजा नहीं रखते, मेमूना नहीं रखते, और जी ये बड़े पुराने नाम हो गए, और इनके नाम रखो, इन बच्चियों इन मुबारक नामों को रखोगे खुदा की कसम इनके असरात आएंगे, और जब इनके असरात हमारी बच्चियों पर आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी पैदा होंगे, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारे पास बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा होंगे, हमारे पास मूसा ख्वारज़मी भी पैदा होंगे, अबू अली सीना भी पैदा होंगे। सिर्फ नीयत साफ करने की ज़रूरत है और अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हम मुसलमान कितने दे रह गए, समझ ही नहीं आता सी मुसलमान भी है कि नहीं है, सोचना पड़ेगा। तहजीब में हो नसारा तो तमदन में हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला वाकई हमारे हाल पर रहम फरमाए। और हजरत ने जो बात की है उस पर कुछ अलामा शायद कोई वीडियो बना के लगा दें, वो जो शादी वाली बात आपने की है,
शायद उस पर कुछ इनकाउंटर आ जाए, कोई आप लोगों के चलते रहते हैं उस पर कुछ ना कुछ कभी कभार कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं कुछ लोग आपस में, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें लड़ा ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। मैं हमारी कोशिश ये रही अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन सो मैनी ईयर्स कि हम प्यार मोहब्बत से लोगों को लेके चलते रहें। ठीक है कि मसला अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ना वड़ना बस कर दें यार। बहुत हम बढ़ गए, शहरियत में बढ़ गए, सूबाइयत में बढ़ गए, मसलकों में बढ़ गए, अब तो पार्टियों में इतना बढ़ गए कि एक ही घर में जो है वो लड़ लड़ के पागल हो गए। और ये भी आप निसाब की बात कर रहे थे, डॉक्टर उमैर को शायद याद होगा हमने एक बुक बैन करवाई थी हमने, और हमने वो हम पूरा हमने उस पर काम किया था। एक बच्चों को थर्ड क्लास में, क्लास थर्ड में तीसरी जमात में बच्चों को और बच्चियों को एक बुक पढ़ाई जा रही थी, और हमने वो बैन करवाई थी, हमने बड़ा उस पर काम किया। बहुत आगे तक यानी एजुकेशन सिस्टम में जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलके हैं जिनके पास ये कुव्वत है कि वो ये तमाम एजुकेशन सिस्टम की इस्लाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, बाकायदा प्रॉपर इसको टेक ऑन किया गया। और अमली तौर पर सिर्फ एक नहीं है फैसल भाई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो बहुत सारी बैन हुई हैं। वो जाहिर सी बात है हमने एक उनकी नज़र इस तरफ कर दी, तवज्जो हो गई, चेन थी। और अल्लाह की अल्लाह अगर मदद फरमाए हमारी परवरदिगार, कोशिश तो यही रहती है, दुआ ये रहती है कि कुछ एक दो और छोटी सी चीज़ें इस वक्त डाली हुई हैं, अल्लाह करे कि वो भी हो जाएँ। जो आप निसाब की बात कर रहे हैं, और आपसे कहूँगा आप रिक्वेस्ट कर दें इन मुक्तदर हलकों को, खुदा के लिए जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यार दोबारा से लाएं यार अरबी को दाखिल करें। अगर मैं इस बात पे तो मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ, मैं तो ये कह कह के थक गया हूँ। ये तो अभी इंशाल्लाह दुआ करें, एक मेरी छोटी सी मीटिंग है उसमें मैं ये जरूर बात करूंगा। हम हिंदी पढ़ते हैं, बड़े फखर से पढ़ते हैं। नहीं नहीं, अरबी लाजमी होनी चाहिए, अरबी लाजमी होनी चाहिए पाकिस्तान में निसाब में, ताकि और कुर्बत हो जाएगी भाई, समझे। ये ऐसे ही बैठ के इतना कुछ नहीं समझा देते, ये पूरी स्टडीज है। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटीज को ये ऑर्डर किया है कि वो कुरान को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं। आमीन आमीन। मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ जी आज भी खालिद सुईसन बेकर्स का, कि उनकी तरफ से इफ्तारी यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ फोटाइल है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एट्रियम मॉल ने भी हमें कुछ गिफ्ट वाउचर्स भेजे थे जो हमने बच्चों के हवाले किए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओजी डेवलपर्स की तरफ से गिफ्ट हैंपर्स हैं जो हमारे मेहमानों को जा रहे हैं, उलमाए कराम को भी गए, आपका रह गया आज, आप ओजी की तरफ से जो गिफ्ट हैंपर है वो आज आपकी आपके साथ भी जाएगा। सलमान आपके साथ भी जाएगा, नहीं गया ना हैं, तो ऐसा पक्का मुंह बना के तूने रखा हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि गया है कि नहीं गया। सलमान ऐसे मामले में गफलत नहीं बरतता। अच्छा थैंक यू। और हमारे जो विनर्स होंगे उनके लिए ओजी डेवलपर्स की जानिब से एलईडी भी है, और जो फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह ताला डिबेट में और क्वेश्चन आंसर्स में उसमें बाइक भी है। तो थैंक यू ओजी डेवलपर्स, राइजिंग बियॉन्ड ये कहते हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची और उसके गिर्दो नवाह में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए कुछ देर बाद हम अज़ान मगरिब की तरफ बढ़ते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ الله أكبر الله